जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि जिंदगी बदल जाए, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, कुछ ऐसा आप सोच रहे होंगे कि लाइफ में चेंज आ जाए। और लिटरली सबके माइंड में, सबके लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ को हम बढ़िया कर पाए। बट ऑल्दो अगर मैं बात करूं, आज सभी को पता है सबके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, बट दिक्कत एक ही चीज है कि हमको ये नहीं पता कि हम उन गोल्स और टारगेट्स को पाएंगे कैसे। तो मैं आज आप सभी के सामने मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आप सभी के सपने हैं? पहली सबसे पहली बात तो ये, तो होपफुली आंसर यही होगा कि हाँ हमारे सपने हैं। क्या आपके सपने हैं कि एक घर, गाड़ी, घूमना, बच्चों की एजुकेशन, अपनी लाइफ के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए? तो यहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो कैसे होंगी, क्या होंगी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंपल लाइफ स्टोरी से। आप सभी को पता है कि आज की डेट में दो चीजें हैं जो आज हम करते हैं, या तो मोस्टली जो लोग होते हैं या तो वो जॉब करते हैं, आइदर दे आर डूइंग बिजनेस। और ये सभी को पता है कि आज अगर आपको लाइफस्टाइल, अगर अपनी नीड्स को अगर आपने पूरा करना है, तो आपको क्या करना है वो आपको पता है, जो कि आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम जॉब। क्योंकि जॉब करके ऑल्दो हम सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, अपनी चीजों को पूरा करते हैं, बट हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बिजनेस करना है। तो आज क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को हम सेटल कर पाए? तो उसी दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ चेंज करने के लिए सभी को पता है जिससे बिजनेस करना है, बट आज की डेट में बिजनेस करना कोई इजी टास्क नहीं है। हर किसी को पता है कि आज बिजनेस करने का मतलब है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करने का मतलब है रिस्क, बिजनेस करने का मतलब है लाइबिलिटीज। इन सभी चीजों को पूरा करने के बाद ही आप एक बिजनेस में लायबल होते हैं बिजनेस को करने के लिए। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ एक फैंटास्टिक फ्यूचर, एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आज इस टाइम 21st सेंचुरी में पॉसिबल है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये और कोई नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री इस टाइम आप देख सकते हैं 193 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो चुकी है। लगभग अगर मैं रुपीज में बात करूं, 13.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। और इस टाइम इंडिया अभी लगभग 15वें नंबर पे है इस अपॉर्चुनिटी की तरफ से। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जो आम को खास बना देता है, एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। और ये बिजनेस जो है लाइबिलिटी फ्री है, रिस्क फ्री है और टेंशन फ्री बिजनेस है। हम आगे चलते हैं कि इस बिजनेस में सबसे पहली चीज है 4 पिलर, जिसके बेसिस पे आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं। और अगर ये 4 पिलर इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में अगर आपके स्ट्रॉन्ग है और प्रूवन है, तो आप इस इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। तो वो क्या 4 पिलर हैं? सबसे पहला होता है कि किसी भी कंपनी का प्रोफाइल। सेकेंड होता है कि उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो यूनिक है, क्या क्वालिटी है। थर्ड होता है उसका प्लान, एंड चौथा होता है हमारा पे आउट। तो इन सारे चारों चीजों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला पिलर है जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो इस हमारी कंपनी को जिसका नाम है टीएंस, इसको 25 साल पूरे हो चुके हैं और 190 देशों में ये इस टाइम बूम कर रही है, 190 देशों में ये काम कर रही है। और इसके अलावा ग्लोबली अगर मैं बात करूं, तो अभी इस कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, जहां पे ये कंपनी 6400 लोगों को फ्रांस लेके गई, जहां पे कंपनी ने 95 करोड़ रुपीज खर्च किए एक सिंगल टूर पे। और इनमें जो टूर गए, आप सुना, आम लोग थे आपके और हमारी तरह, बट ये कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला एज अ टूरिज्म, जहां पे कंपनी ने ह्यूमन चेन बनाई। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है कंपनी का। इसके अलावा खुद के R&D सेंटर्स हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, खुद के लग्जरी होटल्स हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि खुद की यूनिवर्सिटी है कंपनी की। इस कंपनी को 1995 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई और लगभग 40 मिलियन फैमिलीज वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है। अभी हमारे जो फाउंडर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, टॉप 1000 में उनकी बेशुमार काउंटिंग होती है। और इसके अलावा जैसे मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया, हमारी जो कंपनी है WFDSA और इट्सा दोनों में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सोशल चैरिटी वर्ल्ड वाइड हम कर चुके हैं, लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा की चैरिटी कंपनी कर चुकी है। और इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपके स्क्रीन पे है।
यह हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, इनमें सर ली जिन योन, और आपको बताना चाहता हूँ जो गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसको WFDA से बोला जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हमारे जो फाउंडर हैं वो वन ऑफ द CEO मेंबर हैं उस गवर्निंग बॉडी के। दैट मीन्स कि इनका जो आने वाला टाइम है, जो इन्होंने आगे का सोच रखा है, वो बहुत अच्छा है और बहुत फ्यूचरिस्टिक है। तो ये इतने सॉलिड फाउंडर के साथ, सॉलिड कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं, और हमारा जो वर्किंग है मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और अभी इस टाइम इंडिया में लगभग 9 ब्रांच ऑफिस, 11 ब्रांचेस हैं इस कंपनी की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा मैंने मॉड्यूल आपको बताया, और खुद के कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे बद्दी में, चेन्नई में, इसका पॉइंटा साहिब में, इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कंपनी के यहीं बनते हैं। और इसके अलावा 100 से ज्यादा ऑथराइज स्टोर्स हैं इन इंडिया। तो ये एक प्रोफाइल था कि कितना ह्यूज प्रोफाइल है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सेकेंड चीज आती है कि अगर आपका प्रोफाइल सॉलिड है, फिर आता है आपका प्रोडक्ट। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो जो चीजें हैं वो है यूनिक और हाई क्वालिटी, मतलब यूनिक भी है और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं। और कंपनी के पास लगभग 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम इन इंडिया। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, आज जो हम काम कर रहे हैं वो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और हेल्थ का ये डाटा बना पड़ा है कि दुनिया में 5% लोग फिट हैं, 15% सिक हैं, और 80% आपकी और हमारी कैटेगरी में है, ना ही हम फिट हैं ना ही हम बीमार हैं। तो इन सारे डाटास को देख के कंपनी ने कुछ चीजें को इन्वेंट किया, जैसे हमारे पास 4 कैटेगरीज में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, हमारे गैजेट्स आते हैं, हमारे होम केयर आते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमारा पर्सनल केयर आता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहली चीज आती है जिसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, और फूड सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा तो ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वो चीजें हैं, ये वो न्यूट्रिशन है जो बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। जो खाने की कमी आप महसूस करते हैं, खाना तो आप खा लेते हैं, पेट तो भर जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी को, तो उनको फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट्स का यूज होता है। और सप्लीमेंट में मैं बात करूंगा तो ये हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट है जिसको हम कॉर्डिसेप्स बोलते हैं, इसको एज अ हिमालयन गोल्ड बोला जाता है, और रियल में अभी एक टाइप का इम्यून बूस्टर है। और सबसे बड़ी चीज है स्टार प्रोडक्ट है इस टाइम, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा आपके लंग्स के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके स्टैमिना को भी ये बहुत बढ़िया करता है। तो ये एक हब है, और इसको पीरागिडी बोलते हैं, और हिमालयन गोल्ड के नाम से ये फेमस है, और बहुत महंगी हब है जो इसमें यूज की गई है। तो आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। फिर हमारा स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना को स्पेस फूड का दर्जा दिया गया है, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फॉलिक एसिड, A to Z कैटेगरीज, जो बॉडी की नीड को चाहिए वो सारी इसकी एक कैप्सूल में आप ले सकते हैं। और इसको खाने से आप सुनना अपनी पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन आप भरते हैं। और इसके अलावा एज अ फेस पैक इसको आप यूज कर सकते हैं, जिनको भी पिंपल्स, दाने, ब्लैक हेड, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ इसका फेस पैक से ही आप उसको क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये एक स्पिरुलिना है। फिर हमारे मल्टीविटामिन्स है जो इम्यूनिटी बूस्टर में काम आते हैं, या आपके शरीर के जितने भी विटामिन्स की जो कमी होती है वो सारे विटामिन्स को पूरा करता है मल्टीविटामिन। और इसके अलावा हमारा जिंक और एफी है, ये भी अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही सप्लीमेंट जो है ये आपके हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, आई साइट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। फिर हमारे पास हमारा प्रोकेट्स है, बच्चों को आप प्रॉपर दे सकते हैं। ऐसी ये प्रोटीन है जैसे आपके सामने, अपने बच्चों को आप जिंक और प्रोटीन दोनों दे सकते हैं, प्रॉपर DHA है। और इसको कंज्यूम करने से आपके बच्चों की ग्रोथ, मतलब फिजिकली और मेंटली ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट। और इसके अलावा हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसमें चीटोसन, हमारा हाई फाइबर और FOS, ये तीनों ही सप्लीमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, आपके लीवर, किडनी, और सबसे बड़ी चीज आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपके नेचुरल वे में आपके वेट को लूज करने में हेल्प आउट करता है। तो ये वो सप्लीमेंट है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर हमारे पास हार्ट के लिए, अगर मैं बात करूं हार्ट के लिए, तो ओमेगा लाइफ हमारे पास है और कोएंजाइम है। इन सप्लीमेंट्स का यूज करके ये जितने भी ब्लड में ब्लॉकेजेस हैं उन सारे चैनल्स को ये क्लीन अप करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप जब इस सप्लीमेंट को यूज करेंगे, आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व्स के लिए, नर्व सिस्टम के लिए, सबके लिए बढ़िया है। और इवन जिनका हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड गाढ़ा रहता है, उनको आप दे सकते हैं, बीपी के पेशेंट को आप दे सकते हैं, हर इंसान ओमेगा, इस टाइम ओमेगा की नीड बहुत ज्यादा है।
और ओमेगा को कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे डायबिटिक के लिए हमारे पास प्रोटीन है और प्लस हमारे पास जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा से बनी हुई जिम्नेमा हर्ब है और दोनों ही सप्लीमेंट शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण है। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपके पैंक्रियाटिक फंक्शन को अच्छा करते हैं ताकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इंसुलिन बनाए। और जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपके एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है, दर्दों में कम करता है और इसके अलावा आपके जितने भी जो हीट है उसको मेंटेन करता है। और कुछ टाइम बाद अगर आप इसको प्रॉपर यूज करते हैं तो आपके शुगर लेवल को ये बैलेंस करता है। फिर हमारे पास हमारा सेल रेजुवेनेशन है, ओपीसी सप्लीमेंट है, टी पॉली है। तीनों ही सप्लीमेंट हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी एजिंग है। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको यंग रखने में हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छे हैं और लीवर के लिए भी अच्छे हैं और 100% ग्रीन है, मतलब वेजिटेरियन है और बहुत ही ब्रिलियंट सप्लीमेंट है आपको यंग रहने के लिए। फिर हमारी जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें हमारे पास हमारा इक्विपमेंट्स आते हैं, हमारे गैजेट्स आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और सबसे गोल्ड प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं BCM, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। और ये समझना, ये एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट है। मार्केट में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसमें हम एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, मैग्नेट थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज हैं, बट इन सारी थेरेपीज में जो सबसे फास्ट जो रिजल्ट देती है उसको हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर बोलते हैं। और ये एक्यूप्रेशर, ये समझना कि फादर ऑफ एक्यूप्रेशर है ये। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये एक टाइम में 250 प्लस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक ही बारी में स्टिमुलेशन करती है। और इसके अलावा इसकी खासियत ये है, यूनिकनेस ये है कि इसमें जो वाइब्रेशन है वो स्पाइरल है। जब आप इस पे खड़े होंगे तो ये आर्टरीज और वेन्स में जैसे ब्लड रोटेट होता है तो उस वाइब्रेशन के थ्रू, स्पाइरल वाइब्रेशन के थ्रू ये क्लीन अप करता है, जिससे कि पैर से लेकर सर तक जितने भी ब्लॉकेज है उन सारे चैनल्स को ये ओपन करता है। और इसमें अगर आप 15 मिनट खड़े होंगे तो समझना 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बराबर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। और इसमें सिर्फ आपको पोस्चर पता होने चाहिए कैसे आपने करना है, खड़े होके आप कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, हाथ रख के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, ये जो जैसे आपकी स्क्रीन पे है आप देख सकते हैं। और इसको यूज करने के फायदे ये हैं कि ये वेट लॉस, डायबिटीज, इंसोमिनिया, नी पेन, बैक पेन, बॉडी एक, पैरालिसिस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम में अकेला गैजेट, लाखों के खर्चे सिर्फ अकेला गैजेट ये आपके बचा सकता है। और इसको इजी टू यूज है करना, बहुत इजी है यूज करना। और सबसे पहली चीज कि पूरी फैमिली इसको यूज कर सकती है और पूरी फैमिली को आप अपनी फैमिली को फिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक्यूलाइफ गैजेट है, ये लेफ्ट हैंड के पाम से आपकी पूरी बॉडी को इवैल्यूएट करता है, डायग्नोस करता है कि आपकी बॉडी में कहां ब्लॉकेज है, माइनर से माइनर ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट करने के बाद यही गैजेट है जो उसमें उस ब्लॉकेज को खोलने में भी हेल्प करता है। ये गैजेट ये डायग्नोस कर देता है कि आपकी बॉडी में कहां ब्लॉकेज है, आपकी आईसाइट वीक है तो राइट ज्यादा वीक है या लेफ्ट ज्यादा वीक है, गैजेट बताता है। ये सारे काम गैजेट के है। और कहते हैं ना, बताने के बाद ठीक भी ये गैजेट करता है। और इसके अलावा इस गैजेट को FDA अप्रूवल मिला है, जो कि हाईली गवर्निंग बॉडी है मेडिकल साइंस के ऊपर, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया हुआ है। फिर हमारे पास हाइपोटेंशन है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसको इजी टू यूज है, ये भी बहुत सिंपल है। सिर्फ सर में कॉम की तरह, कंघे की तरह इसको यूज करना है। जब आप इसको कॉम की तरह यूज करेंगे, जिनका बीपी लो है चाहे हाई है, दोनों को ये बैलेंस करता है। इवन माइग्रेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, तो दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अलावा हमारा ब्रेसलेट है, जैसे आप देख सकते हैं ब्रेसलेट की अगर मैं बात करूंगा कि आज के डेट में फोन, सेलफोन्स हर जगह में है, जैसे पेंडेंट भी है हमारा, और फोन से क्या रेडिएशन निकलती है और हमेशा हम 24/7 फोन के दायरे में रहती है, रेडिएशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें थकावट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी बॉडी में डेवलप होती है, एनर्जी की कमी रहती है। तो उसके लिए ब्रेसलेट्स हैं, जब आप इसको पहनेंगे ये रेडिएशन से बचाता है, आपको एनर्जाइज रखता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये वो गैजेट है जो आपके एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करेगा, कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसको फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं, आप अपने एनर्जी को मेंटेन पाएंगे। ऐसे बीपी के लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं ये। और इसके अलावा हमारे पास और भी गैजेट्स हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन कप है, ये एक यूनिक वाटर है, जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, हाइड्रोजनेटेड वाटर हम इसे बोलते हैं, और इसको पीने से कईयों प्रॉब्लम सिर्फ पीने से आप ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट के लिए है। इवन दो इस पानी को कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है, जिसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छा कर देता है। ऐसी फ्रिज प्योरीफायर है, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके फ्रिज में आप रहते हैं,
दालें हैं, कुछ भी है जो भी आप रखते हैं, सब बैक्टीरिया प्रूफ नहीं है, सब में बैक्टीरिया हो जाता है, बदबू हो जाती है, कोई ना कोई फंगस है। तो उन सारी चीजों को क्लीन करने में, साफ करने में हम ओजोनाइजर का यूज करते हैं, O3 थेरेपी से यूज किया जाता है। फिर हमारे पास बेल्ट्स हैं, हमारे कुशंस हैं जो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, फिर मैट्रेसेस हैं, मैग्नेटाइज मैट्रेस है, जब आप इसको यूज करेंगे तो ये पूरे बॉडी में काम करता है, जब आप सोते हैं आपके ऑर्गन्स रिवाइव करना शुरू करते हैं। फिर एयर प्योरीफायर है हमारा। तो ऑल्दो हमारे पास ये गैजेट्स आपने देखे, इक्विपमेंट्स हैं जो डेली बेसिस में आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, फिर हमारे पास जो रेंज है वो हमारी पर्सनल केयर है और होम केयर है। दोनों ही रेंज की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारे पास हमारा पेस्ट है जो नेचुरल वे में आपके दांतों को साफ रखता है, कैविटी फ्री रखता है, और जिनको प्रॉब्लम है तो उनमें भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, और इसके कईयों और जगह भी रिजल्ट्स हैं जो मैं फिर कभी बताऊंगा। और इसके अलावा अभी हमारे पास सोप है जो आप देख सकते हैं, सोप की अगर मैं बात करूंगा तो चारकोल सोप है हमारा जो स्किन से सिमिलर, इसकी जो पीएच वैल्यू 7 है, किसी भी एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम में आप इस सोप को यूज कर सकते हैं, वो हर बॉडी टाइप के लिए सूटेबल है। फिर हमारे पास नीम और आंवला का ऑयल है। ये क्या है, नेचुरल वे में आपके बालों को हेल्दी रखता है, जिनके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। इवन दो वन ऑफ द रिजल्ट मैं हूं इसका कि जिनके बाल व्हाइट है एट द वेरी यंग एज, वो अगर इसको यूज करते हैं प्रॉपरली तो उनके जो है बाल भी ब्लैक होते हैं। तो ये है जिनके डैमेज हेयर उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसके साथ अगर शैम्पू प्लस कंडीशनर हमारा एक शैम्पू है इसको यूज करते हैं तो इसके भी बहुत अच्छे ताजे रिजल्ट है। फिर हमारे पास अगर आप देखें तो हैंड वॉश है हमारा, डिश वॉश है जो डेली बेसिस में हम घर में यूज कर सकते हैं जो कि एलोवेरा से बना हुआ है। फिर हमारा वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं सैनिटरी पैड्स। WHO का डाटा है कि हर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ होती है ड्यू टू यूट्रस कैंसर और सर्विकल कैंसर। आज मार्केट में कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मार्केट के सैनिटरी पैड्स है, मतलब आज जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसमें प्लास्टिक है, और प्लास्टिक पूरी दुनिया में बैन है। जबकि आज हमारा जो नैपकिन है आप देख सकते हैं, इसे एल्यूमिनियम फॉइल में इसको पैक किया गया है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, कि ये मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी हो जाएगा, और इसमें जिससे ये बना हुआ है आप सोचिए, इसमें कॉटन सिल्क और पेपर इसमें यूज किया गया है। जब आप इसमें पानी डालें मार्केट में, आप कहते हैं ना कि एक कप पानी, कहते हैं ना 10 बूंद डाल दो वो गीला रह जाता है, इसमें एक कप पानी डालोगे तो भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन है इसकी। और इसके अलावा इसमें एक चिप है हर पैड के अंदर जिसमें आप चेक मतलब जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटेड है, और जब फीमेल्स इस पैड को यूज करती है तो रैशेस की प्रॉब्लम से फ्री होंगी। इसके अलावा जिनको हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहता है वो सर्फ नैपकिन को यूज करने से ही अपनी हील अप करती है, और इसके अलावा मैक्सिमम फीमेल्स ने इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, चाहे वो कंसीविंग की है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, येलो डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज है, तो सारी प्रॉब्लम, क्योंकि एक मेडिकेटेड नैपकिन है ये, और ये 3 वैरायटीज में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे नाइट पैड है हमारा जिसमें 8 पीसेस है, एक हमारा डे पैड है जिसमें 10 पीसेस है, और हमारा PL जो कि रेगुलर डेली बेसिस पे फीमेल्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज फीमेल जब आप ट्रैवल करते हैं, जितनी भी फीमेल्स ट्रैवल करती हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उनमें ही ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो बाहर के वॉशरूम्स को यूज कर सकती हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए आप पेंटिलाइनर डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो आपने देखा, तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिक प्रोडक्ट विद अ क्वालिटी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो ये हमारी चीजें हैं और हम अपनी फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ये महिला शक्ति आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जब आप काम करेंगे तो ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स आप पा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और अब जो मेन चीज है जिसको हम थर्ड और फोर्थ बोलते हैं, हमारा पे आउट एंड प्लान, कि ऑल्दो अब बात आती है कि पैसा कैसे कमाएंगे। तो पैसे कमाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना दो टाइप के लोग हैं, या तो वो एक्टिव इनकम कमाते हैं या पैसिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम वही कमाते हैं जो डेली काम करते हैं, डेली पैसा आता है, जिस दिन काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और पैसिव इनकम वो चीज है कि स्टार्टिंग में आप काम करते हैं पैसा आता है, लेकिन जब आप काम नहीं भी करते तो भी पैसा आता है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। आज अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, हम बोलते हैं अमीर ऐसा क्या कर रहा है कि वो अमीर हो रहा है, और गरीब ऐसा क्या कर रहा है वो गरीब हो रहा है। फर्क एक ही है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बिल्टअप करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अकेले लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो करते क्या है, आज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कुछ भी आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग 40% होती है, 60% पैसा होलसेलर रिटेलर एडवर्टीजमेंट वालों को मिलता है, और वहां से वो लोग पैसा कमाते हैं। बाकी हम कंज्यूमर की तरह कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, उसका कोई भी पैसा हमें या हम किसी को रिकमेंड करते हैं किसी को नहीं आता। जबकि TNS में जब आप यहाँ पे सेल्फ परचेजिंग
जब यहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं ब्रोंज की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, तो यहाँ पे कंपनी जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को आप ये शॉपिंग करवाते हैं, तो आपको भी बेनिफिट होता है। जो यहाँ पे जो 60% पैसा जहां बट रहा था, जहां पे लोग अमीर बन रहे थे, यहाँ पे आप और हम जैसे लोग अमीर बनते हैं। तो बात आती है शुरुआत क्या करनी है। शुरुआत के लिए आपको ये चेक करना है कि आपने शुरू कहां से करना है इस बिजनेस को। और बिजनेस की शुरुआत के लिए आप देख सकते हैं चार कार्ड्स हमारे पास हैं, ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड। ब्रोंज कार्ड करने के लिए लगभग 100 बीबी का बिजनेस करना होता है, 100 बीबी अप्रोक्स होता है 10,000, सिल्वर के लिए लगभग 20,000 और गोल्ड के लिए लगभग 40,000। यहाँ पे कंपनी एक और चीज कहती है कि अगर आप 100 बीबी चार बार कर लो, मतलब ब्रोंज का पैकेज चार बार ले लो कभी भी अपनी पूरी लाइफ में, तो भी आप गोल्ड बन जाओगे। जिंदगी में एक बार गोल्ड बनना है, बार बार नहीं बनना। और जब आप गोल्ड बन जाते हैं और नीचे दो लोगों को गोल्ड कर लेते हैं, तो आपके पास प्लैटिनम 5 स्टार होता है। और इस कंपनी में जुड़ने के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका एड्रेस प्रूफ, और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप कंपनी में रजिस्टर कर लेते हैं। अब बात आती है इन पैकेज से फायदा क्या है। तो फायदे की मैं बात करूंगा, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जुड़ते ही अगर आप ब्रोंज से जुड़ते हैं तो आपका जो डायरेक्ट इनकम है सीधा 10% होता है, सिल्वर में 15 है, गोल्ड में 18 है और प्लैटिनम में 20% है। हाईएस्ट जो मार्जिन है वो प्लैटिनम में है। फिर मैचिंग की इनकम है, जब आपकी दो टीमें काम करती है, दोनों टीमों का कॉमन बिजनेस का जो परसेंटेज है वो आपको मिलता है, जो की 8, 9, 10 और प्लैटिनम में 11% है। फिर ट्रेनिंग बोनसेस है जो की सिल्वर कार्ड से शुरू होता है, सिल्वर में 2, गोल्ड में 3, प्लैटिनम में 4 लेवल। फिर कंपनी देती है आपको स्पेशल डिस्काउंट जो कि सिल्वर से शुरू होता है, जो कि 5% है, 8% और 15% है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का आज आप परचेस करेंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर नैपकिन की बात करूं तो 160 रुपए का नैपकिन है, और अगर आप उसको परचेस करेंगे, जुड़ते ही कंपनी वही नैपकिन आपको 128 रुपीज का देती है। उस 128 में अगर आपका कार्ड प्लैटिनम हो चुका है तो उसी पे 15% और कम आपको पैसा पे करना है उसी प्रोडक्ट के लिए, तो वही नैपकिन आपको 109 रुपए का, 108 रुपए का पड़ना शुरू हो जाता है। फिर कंपनी देती है आपको कैशबैक, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सिल्वर में 10% है, गोल्ड में 10 है, प्लैटिनम में 15% है, कि उसी 109 रुपए में भी कुछ टैक्स हटा के कंपनी आपको आपके अकाउंट में पे करती है, तो लगभग वो जो नैपकिन है वो और सस्ता हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने है स्पेशल डिस्काउंट और कैशबैक का, तो रिटेल सेविंग है। बाकी आप बात करते हैं पहली इनकम की, जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम कहते हैं। आप ब्रोंज हैं, आपने किसी को ब्रोंज किया तो एक ब्रोंज करने का डायरेक्ट क्या इनकम आता है 10% का, क्योंकि ब्रोंज 100 बीबी से आता है। आप भी ब्रोंज हैं, आपका मार्जिन 10% है स्पॉन्सरिंग का, तो 100 का 10% होता है $10, जो कि हमारा $1 फिक्स है इज इक्वल टू 66 रुपीज। तो ये 660 रुपए आप एक गोल्ड से कमाते हैं, एक ब्रोंज से, और दूसरा अगर आप ब्रोंज करते हैं तो भी आपको 660 रुपए आ जाते हैं, प्लस आपको आता है 528 रुपए, जिसको हम मैचिंग इनकम बोलते हैं। टोटल आप कमाते हैं 1848 रुपए। आप ब्रोंज हैं, आपने 2 ब्रोंज किए, 1848 रुपए कंपनी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसके अलावा आप ब्रोंज, हो सकता है किसी को बिजनेस समझ आया और वो कहता नहीं मैं गोल्ड से करूंगा, मैं गैजेट से करूंगा, कहीं से भी आप ब्रोंज है, नीचे अगर आप किसी को गोल्ड बनाते हैं तो 2640 रुपए एक गोल्ड बनाने के आते हैं, और अगर दूसरा भी बनाते हैं गोल्ड तो 2640 रुपए फिर आ जाते हैं, और इसके अलावा 2112 रुपए एक्स्ट्रा इनकम होती है, टोटल 7392 रुपए आप कमाते हैं। ये तो ब्रोंज का है, यही मेहनत अगर आपने गोल्ड बनके की, काम तो वही है। आप गोल्ड हैं, आपने नीचे दो लोगों को गोल्ड किया तो लगभग 10,296 रुपए आप कमाते हैं, और यही काम प्लैटिनम बनके किया तो 13,464 रुपए आप कमाते हैं। टोटली डिपेंड ऑन कि आपका क्या रैंक है। फिर बात आती है कि कम से कम अगर मैं बात करूं सिर्फ ब्रोंज की, ब्रोंज में लगभग आप साल का 25 लाख रुपए कमा सकते हैं, सिल्वर में लगभग 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, गोल्ड कार्ड में 95 लाख और प्लैटिनम में लगभग 1,58,00,000। आप खुद सोचिए। और करना क्या है, सिर्फ आपने राइट टीम और लेफ्ट टीम में काम करना है, सिर्फ 2 टीमों पे वर्क करना है, 2 टीमों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और अगर आप सिर्फ 10,000 से भी डिसीजन लेते हैं करने का और 2 टीमों में काम करते हैं तो आप ये इनकम ले सकते हैं। तो अब बात आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथी इनकम हमारी ट्रेनिंग बोनसेस होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दो लेवल, जैसे मैंने आपको बताया
सिल्वर में 5% है, 2 लेवल तक, गोल्ड में 3 लेवल तक है और प्लैटिनम में 4 लेवल तक है 5%। ये क्या है कि आपके टीम में 4 लेवल तक जितने भी लोग होंगे, चाहे वो 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 4 लेवल में जितने भी लोग होंगे उनकी जो भी इनकम होगी, चाहे वो 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख, जितने भी इनकम होगी उसकी मैचिंग इनकम का कंपनी आपको 5% अलग से देती है। फिर ऐसी पांचवी इनकम है हमारे यूनिलेवल बोनसेस, कि हर महीने हम कहीं ना कहीं मार्केट से अपनी यूजेबल आइटम्स लेते हैं। अगर वही चीज आपने कंपनी से लेना शुरू कर दिया अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया अपने होम केयर के अकॉर्डिंग, आपने होम केयर लेना शुरू कर दिया पर्सनल केयर के अकॉर्डिंग, पर्सनल केयर लेना शुरू कर दिया, अगर मात्र मैं कहता हूं कि आपने 2 से 3 हजार का प्रोडक्ट हैबिचुअली आपने लेना शुरू करा और सिर्फ 2 टीमों में काम किया, तो लगभग 84,340 रुपए आप महीने का कमाते हैं। और अगर ये काम 4 लाइनों पे हो जाए रीपर्चेस, तो लगभग 5,55,08,902 रुपए आप कमा सकते हैं। मतलब एक ह्यूज इनकम समझ आ रही होगी, लग रहा होगा भैया 5 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ 5 करोड़ का 0.1% भी आ जाए ना, वो भी बहुत सफिशियंट है। लेकिन वो कब, जब हम करेंगे। फिर हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनसेस हैं, जो आप देख सकते हैं, प्लैटिनम में 15% था जब आप 5 स्टार होते हैं, 6 स्टार में 20 है, 7 में 25 है, 8 में 33 है, अप टू 42% तक का मार्जिन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनसेस का। फिर बात आती है मल्टीपल ग्लोबल रॉयल्टीज, जो हमारी 7वीं इनकम है, और 8वीं इनकम जो कि ग्लोबल बोनसेस हैं। पूरी दुनिया में इस कंपनी का जब भी कुछ भी सामान बिकता है उसके जो छींटे हैं आपको रॉयल्टी रैंक में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि शुरुआत होती है ब्रॉन्ज लॉयन, सिल्वर लॉयन, गोल्ड लॉयन, स्टार गोल्ड, डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर। तो यहाँ पे कंपनी आपके साथ फुल ऑन शेयर करती है अपना शेयर, एज अ पार्टनर आप काम करते हैं। और इसके अलावा कंपनी 8th इनकम है हमारी कार फंड, जहाँ पे 19,80,000 रुपए कंपनी आपको कार के लिए देती है। अब इसमें आप अपनी मन चाही कार ले सकते हैं। और इसके अलावा कंपनी आपको कैश प्रोवाइड करती है कि आपके पास अगर गाड़ी है तो आप कैश रख सकते हैं। फिर आपके पास कंपनी देती है 1,12,00,000 का फंड, जो कि वेला के लिए होता है, और मैं मानता हूँ इतने में घर आ जाता है। ये एक टाइप का एफडी है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है। और 10वीं चीज है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड टू, कि आप इस कंपनी के थ्रू पूरी दुनिया को आप घूम सकते हैं, और आप ही नहीं आने वाली जनरेशन भी घूम सकती है। तो ये कैसे कैसे है, ये आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में रिकग्निशन का ये लेवल है। ये टाइम स्क्वायर की फोटो है न्यूयॉर्क की, जो आप सोचिए एक एक एड के करोड़ों रुपए लगते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे लीडर्स को नॉमिनेट किया गया, रिकग्नाइज किया गया इस पैनल में। और सिंपल सी चीज है, इस बिजनेस का फायदा यही है कि सेल्स एक्युमुलेशन प्लान है, प्लस 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 का बिजनेस है, जीरो कभी नहीं होता, आपका रैंक जिंदगी भर के लिए परमानेंट है। यहाँ पे सेल्स जो आपकी फ्लश आउट नहीं होती, जीरो नहीं होती, कैरी फॉरवर्ड रहता है, और ग्लोबल स्टेटस है, पूरी दुनिया में आपका सेम स्टेटस रहता है, कहीं भी रिक्वालिफाई नहीं करना पड़ता। ग्लोबल रॉयल्टीज कंपनी शेयर कर रही है, लीगेसी है, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो ये जो बिजनेस है, जो आप रिकॉग्निशन, जो आप पैसा, जो अर्निंग, जो टूर्स, जो भी आप एंजॉय कर पा रहे हैं, एज इट इज आपकी फैमिली मेंबर को मिलना शुरू हो जाता है। फिर पीपल ब्लेसिंग का बिजनेस है, जब आप लोगों की हेल्थ को अच्छा करते हैं तो लोग भी आपको दुआ देती है। और यहाँ पे इसके साथ आप देख सकते हैं रॉयल लाइफ स्टाइल है, यह हमारे वन ऑफ द सुपर सीनियर है जिनका नाम सतपाल भी पसंद आता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल को आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जब आए थे बिजनेस में आप देख सकते हैं एज अ स्कूटर, मतलब जो सपना था सिर्फ स्कूटर का था उस टाइम पे, और पुराना स्कूटर तो था ही, और रियल में कि सिंपल है कि लाइफ में कुछ करना था, अपॉर्चुनिटी मिली, तलाश खत्म हुई, काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो आज जो लाइफ स्टाइल है, कंपनी से फंड लिया, जहाँ पे कंपनी से ये स्कॉडा आप देख सकते हैं रेड है, आइकॉन रेड है, उसके बाद एक्सयूवी रेड है, फिर एंडेवर जो रीसेंट अचीवमेंट 40 लाख की गाड़ी की वर्थ है। आप सोचिए आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक रिच लाइफ स्टाइल आज ये इंजॉय कर रहे हैं। आज जो इनकम है वो 7 फिगर इनकम है हर महीने की, और इसके अलावा लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज ये इंजॉय कर चुके हैं। और इसके अलावा आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वन ऑफ द टॉप अर्नर है कंपनी में। तो आप देख सकते हैं ये सेल्फ बिजनेस है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं शोज, सेमिनार्स, मीटिंग्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में ऐसे शोज हो रहे हैं, ऐसे हमारे एक्सपीरियंस स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। क्या मतलब एक हाईली स्टैंडर्ड के हमारे ऑफिसर्स हैं पूरी दुनिया में। तो सिंपली है ऐसे से रिकॉग्निशन, आपको मौका मिलता है उस स्टेज पे जाने का जहां हजारों लोग आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं, आपको देखने के लिए बैठे होते हैं, जब आप यहाँ से अचीवमेंट लेना शुरू करते हैं। और ऐसे ऐसे टूर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है
जब आप जाएंगे आप वहां एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगता, आप अपना पर्स अपने घर पे छोड़ के जा सकते हैं इन टूरों पे, क्योंकि सारा खर्चा खिलाने से लेकर ले जाने तक और वापस सही सलामत लाने तक सारा खर्चा कंपनी पेड ऑफ करती है। तो ये इस क्वालिटी के हमारे टूर्स रहते हैं और ऐसे ही हमारे रिकग्निशन हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स, आप देख सकते हैं लाइन से बीएमडब्ल्यू कंपनी बांटती है, ये आप देख रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल है। आप सोचिए, ये हमारे सुपर सीनियर विकास मोहन गोयल जी, आप देख सकते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो आम से खास बने हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक गाड़ी थी, आप देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है 2 करोड़ से ऊपर की इसकी वर्थ है, और ये टियांस में पॉसिबल है, लोग अचीव करके आज एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे सेमिनार्स, मीटिंग्स, हजारों लोग कार अचीवर अचीवर अचीव कर चुके हैं, विला अचीव कर चुके हैं और ये लाइफस्टाइल बना चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यंग जनरेशन सब अभी इस टाइम इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आफ्टर कोरोना, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस इतनी राइज की है, लोगों को आज इनकम चाहिए। तो ये एक इंडस्ट्री है जिसने लोगों को एक साहस दी है, एक मौका दिया है अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक सेट करने का, और इसी हिसाब से हम भी अपने करियर को यहाँ पे बना रहे हैं। पिछले 5 साल में लगभग 15 कंट्रियों के टूर मैं ले चुका हूँ, इसके अलावा कारफंड मैं ले चुका हूँ, आज रॉयल्टीज को एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी इनकम को मैं कहते हैं ना अर्न करिए एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे फंक्शन, सेमिनार, मीटिंग्स, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी है जिसकी कीमत 12.5 लाख रुपए है। तो ऐसे ही काफी सारे लोगों ने इसको अचीव किया है और ऐसे ऐसे सेमिनार पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आज लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। अभी बहुत जल्दी बहुत अच्छा सेमिनार हमारा रेवाड़ी में होना है जो कि 28th को है, तो आपके लिए ये स्टार्टिंग से ही इन्विटेशन है कि आप अपने गेस्ट, अपने लीडर के साथ बात करें, उन्हें कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं, और ताकि आप भी उस प्रोग्राम को एंजॉय कर पाए। तो ऐसे ही सर्टिफिकेशन होते हैं, जब आप रैंक अचीव करते हैं, जब आप गोल्ड बनते हैं, जब आप प्लैटिनम बनते हैं, जब आप 6 स्टार बनते हैं, 7 स्टार बनते हैं, 8 स्टार बनते हैं, तो ऐसे ऐसे रिकग्निशन, आपके सर्टिफिकेशन, आपके फोटोज आपके डाइल्यूट होते हैं पूरी दुनिया में। तो आप यहाँ से एक अमेजिंग फ्यूचर आप बना सकते हैं और यूनाइटेड होके हम एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल्दो अभी आपने हमारी मीटिंग को एंजॉय किया और काफी लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा, और रियल में एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है ये, जिसको समझ आ जाए वो आप समझना कि वो आम से खास बन जाता है। और कहते हैं जिसको समझ नहीं आया तो एक ही प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कभी कभार कोई भी काम होता है तो पहली बारी में नहीं आता, साइकिल पहली बारी में नहीं सीखी थी, स्विमिंग पहली बारी में नहीं सीखी थी, अगर किसी ने रोटी भी बनाई थी ना, कहते पहली बार नहीं हुआ था। तो पहली बारी में जरूरी नहीं कि हो जाए, और जिनका हो जाए उनको तो मौजा ही मौजा है, लेकिन नहीं हो पाया तो रीट्राई, कि अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझो, कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे आम खास बन रहे हैं, तो दैट मींस कि अगर आम लोग बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं, एक 19 साल का लड़का अगर कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं, एक 70 साल का एक यंग कह लो तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, एक फीमेल होते हुए भी अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तो रियल में एक चैलेंज है आपको अपनी लाइफ के लिए, अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन सवेरा अपनी फैमिली के लिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए कि आज आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ कनेक्ट करें और हम मिलके अपनी लाइफ को बढ़िया करें और मौका दें बहुत सारे लोगों को कि वो भी हमारी तरह, हमारी जैसी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो रियल में थैंक यू सो मच है आप सभी का, जिन्होंने बहुत ही ब्रिलियंटली मेरे को सुना, समझा, और रियल में मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिलवाना चाहूंगा जो आज इस इंडस्ट्री में होते हुए काफी अच्छी एंजॉयमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं मेडिकल वाइज। बहुत लोगों को हेल्थ का बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसकी वजह से आज कहते हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, तो उनमें से मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो अपने आप को अपनी वीडियो में आ पाए, और जिनको भी शेयरिंग करनी है वो अपना थम्स अप कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि यू आर रेडी। और रियल में हमारे जो जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी नए लोग जो पैनल में हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आप कैसे हैं। तो रियल में मैं सभी का वेलकम करूंगा, और जिन्होंने भी अभी वीडियो पे आए हैं तो मैं चाहूंगा कि जो जो थम्स अप करेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको लूं। तो अभी जो मैं लेना चाहूंगा,
मैं देख रहा हूं पैनल में। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा हमारे जो मुझे दिख रहे हैं पैनल में, वन ऑफ द ग्रेट, पहले तो इंस्पिरेशन ऑफ वुमेन्स एम्पावर वुमेन के ऊपर जिन्होंने छाप बना दी है इस टाइम, और बहुत अच्छे रिकॉर्ड जिन्होंने कायम किए। और अगर मैं बात करूं प्लेस की, तो वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं, और मतलब हिमाचल जैसी जगह में उन्होंने आज टियांस का वो झंडा गाड़ रखा है। और रियल में आने वाले फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना ही नहीं अपने बच्चों का एक सिक्योर बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया है, एक हिस्ट्री बनाई है, बहुत सारी फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन है। वो और कोई नहीं, हमारी वन ऑफ द ग्रेट लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जो अभी रिसेंटली ताजे ताजे 8 स्टार बने हैं, वो और कोई नहीं, मैं बुलाना चाहूंगा वनीता राज जी को। तो वेलकम वनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल में। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वहां से अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया, आई रियली थैंक्स। एंड सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप अपना आप बता सकते हैं लोगों को, ताकि लोगों को जानने का मौका मिले कि इस इंडस्ट्री में क्यों आप आए और क्या आपने अचीव किया और आगे का क्या विजन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं वनीता, मेरा नाम वनीता है, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और आज से पौने दो साल में त्यांची में आई थी, हेल्थ को लेके, हेल्थ और वेल्थ मुझे दोनों चाहिए था सर। तो और मैं कहती हूँ कि मुझे दोनों ही मिला, और बहुत कुछ, जिसको कहते हैं कि मैंने इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि त्यांस में आके मैं सब, मतलब सब चीजें, जिसको कहते हैं मेरे पास ना हेल्थ थी ना अच्छी वेल्थ थी, हेल्थ भी ली है बहुत ही, मुझे गायनिक इश्यूज इतने ज्यादा थे कि मैं बहुत थक चुकी थी, जिसको बोलते एक हिसाब से डिप्रेस हो चुकी थी, और कुछ ऐसा था मन में कि कुछ करना है, कि अपने फैमिली के लिए मुझे अपने हस्बैंड के साथ हेल्प करनी है, बिजनेस करना है, और ताकि हम एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सके। जहाँ हस्बैंड का बिजनेस था, घर तो चल रहा था, बट सर ड्रीम जिस तरह से थे कि कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अगर हम आए तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए, और ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें कल को अपने बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देने पड़े कि पड़ोसी के बच्चों को देखो या पड़ोसियों को देखो, वो किस तरह से करते हैं, वो कितनी अच्छी जॉब करते हैं, उनका कितना अच्छा बिजनेस है। हालांकि मेरे कहने का मतलब है कि इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को खुद के एग्जाम्पल देने पड़े कि मैंने जैसे बच्चे बेटा मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने यहाँ पे बिजनेस किया है, मैं यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है, कि अच्छी इनकम, अच्छी हेल्थ को लेके काम कर रही हूँ, आप भी वैसा ही करें। तो इस तरह से था सर, और बहुत ही जबरदस्त, जिसको कहते हैं कि मुझे त्यांची में आके मैंने एक अच्छी हेल्थ ली, और लोगों को भी एक अच्छी हेल्थ मिल रही है, जो जो मेरे साथ, मैं बोलती मेरी टीम, एंटायर टीम, और पूरे जितने भी लोगों को हम मिलते हैं, जिनसे भी हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, सभी लोग यहाँ से बहुत अच्छी हेल्थ ले रहे हैं और वेल्थ भी। और अगर मैं बात कहूं कि मैं पहले वही सोचती थी कि जिस दिन त्यांशी से मुझे थोड़े से भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे, मैं समझ जाऊंगी कि इनकम आती है, और मैं कहती हूं कि यहां से इतने इनकम आती है कि लगे रहे, डटे रहे, 6 महीने साल बाद यहां पे बहुत कुछ अलग होने वाला है, पिक्चर ही चेंज हो जाती है। जिस तरह योगराज सर समझाते थे कि लगे रहो और करते रहो टीम के साथ, और आप धीरे धीरे, आपके रैंक चेंज होते हैं, अच्छी इनकम बनती है। स्टार्टिंग में सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी लोगों को लगता है मेहनत बहुत है और इनकम कम है, तो यहाँ पे ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपकी मेहनत बहुत है, इनकम कम है, पर धीरे धीरे आपकी मेहनत बहुत कम है और इनकम आपकी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रियल में सर, रियल में अब तो इस तरह का विजन क्लियर है कि मैं अब डर नहीं लगता मुझे कि मैं सपने देख रही हूँ, अब ऐसा लगता है कि जो सपने देख रही हूँ वो पूरे होने वाले, इसीलिए मैं सपने बड़े बड़े देखने शुरू कर दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जरूर चाहेंगे कि जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, काम किया, तो पहले महीने दूसरे महीने जो पे आउट रहे कितने रहे? सर जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो पहले तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा खुद की एक इतनी वो थी कि मैं जैसे लेडीज का थोड़ा सा रहता है कि हम हस्बैंड से डिस्कस करेंगे, है ना सर, इस तरह से पैनल में जितने भी लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ यहाँ पे गेस्ट है हमारे, तो मैं एक ही बात कहती हूँ सभी से कि देखो आप हस्बैंड से डिस्कस जरूर करें,
पर जब हस्बैंड को पता ही नहीं है कि, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन आपने देखा है, प्रोडक्ट आपने देखा है कि हर घर में इसको, ये जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, हर घर में चाहिए, तो आप डिसीजन भी खुद ले सकती है। हाँ, आप हस्बैंड से इस तरह से हेल्प बात कर सकते हैं कि मुझे कुछ करना है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सर मैंने कुछ ऐसा किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे समझ आया था कि अगर मैं हस्बैंड से डिस्कस करूंगी तो उन्होंने ना डेमोस्ट्रेशन देखा है ना उन्हें प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो मुझे मना कर देंगे। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे खुद करना है पहले, और जब तक मैं यहाँ से इनकम ना लूँ कुछ भी, तब तक मैं नहीं बताऊंगी। सर मैंने स्टार्ट किया और मैंने उसके बाद एक माइंड अपना सेट किया कि अभी मुझे, जैसे सर ने बताया था कि आपको दो लोग प्लग करने हैं, फिर वहां से आपको वही ब्रॉन्ज से आप कर रहे हैं, ब्रॉन्ज से वो भी करते तो 1848 आपको आता है। तो मैंने सेम वैसा ही किया और मुझे पहला पे आउट आया। सर बेशक मेरा पहला पे आउट उस टाइम 1200 था, बट उस दिन मुझे क्लियर हो गया था आज मेरा अगर 1283 से मुझे आ सकता है तो ये 12,000 22,000 भी आ सकते हैं, और लाखों में भी मैं जा सकती हूँ। फिर मैंने सर सीरियस होकर योगराज सर से मैं मिली, मैंने सर से पूछा, सर मुझे पूरा प्लान समझना है, मुझे यकीन हो गया, अब मेरा क्लियर हो गया कि यहाँ से इनकम आती है, पर ज्यादा कैसे आएगी आप मुझे समझाइए। फिर सर मुझे सर ने समझाया, पूरा प्लान दिया, ये सब चीजें डिस्कस की और मैंने उस पर फोकस किया और स्टार्ट किया अपना काम। तो सर 1200 आए, 3500, फिर 4000, इस तरह से धीरे 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 करके, जैसे कि मैंने कहा भी कि फिर कभी 18000 20 25 आते रहे, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि जब इतने आते तो लाखों में भी आएंगे। अब सर जो पिछले 2-3 महीने से बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छी टीम सभी के सपोर्ट वर्क से, जैसे मैंने अभी कहा कि लास्ट टाइम का मेरा जो पे आउट था वो 80,000 था और अभी भी मेरा उससे अबव जाने वाला है, क्योंकि मैं इस तरह से मेरा काम हो रहा है। तो सर जब विजन क्लियर है, मैं इतना कहती हूँ कि 2 साल 83 को दे दीजिए, हमें 50-60 साल काम करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने एज काफी भी हम लोगों की जब हो जाती, मैं देखती हूँ कुछ लोगों को अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं फैमिली को चलाने के लिए। त्यांस हमारे पास यहाँ पे, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी इंडस्ट्रीज में है कि अगर हम 2 साल अपने लाइफ के यहाँ पे दे देते हैं तो हमें यहाँ पे 60 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल में सर मतलब मैं कहती हूँ कि कभी सोचा भी नहीं था सपने में, और थैंक्स करती हूँ गॉड को कि परमात्मा इस प्लेटफॉर्म ने आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। तो अब आगे मुझे बहुत कुछ यहीं से लेना है त्यांशी से, और क्योंकि अगर यहाँ से 80,000 आ सकते हैं तो 80 लाख भी आ सकते हैं। अब तो सर यहाँ तक की सोच रखी है कि लाखों में लेना है, रॉयल्टी लेनी है बहुत जल्दी, खुद भी और टीम को भी दिलानी है। तो थैंक्स करना चाहूंगी मेरे मेंटोर युवराज सर का, जिस जो मुझे टाइम टाइम से गाइड करते हैं और समझाते हैं, मैं फॉलो करती हूँ सर कैसे करना, और यस सर करती हूँ, जैसे सर ने कह दिया सर पक्का 100% हो जाएगा। और थैंक्स करना चाहूंगी तनु मैम का, क्योंकि तनु मैम का भी उन्होंने मुझे यहाँ पे बिजनेस में लाया, डिस्कस किया, सपोर्ट करते हैं। तो थैंक्स ऑलवेज मैम का, मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स और हस्बैंड और मेरे परमात्मा का, सर आप लोगों का, सभी का ही, जिस तरह से पाल सर का, क्योंकि सर हमें जो एजुकेशन एजुकेट किया जा रहा है, मैं कहती हूँ कि जो जूम हमारा वेबिनार है, जो एडिनेस सिस्टम है, इससे तो और भी बिजनेस दिन प्रतिदिन हमारा दुगना होता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट में यही विद्या जी, रियल में मैं तभी बोलता हूँ कि वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन्स, फॉर वुमेन पावर आप बने हैं, और ये आपने अर्न किया है, और बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा जो जॉब करते हैं ना, वो अपने बच्चों को कभी नहीं बोलते कि आप हमारी तरह बनो, और कभी देखा होगा बच्चों, बच्चे कभी नहीं बोलते कि हमें पापा आपकी तरह बनना है, कहते हैं हमें तो वो बनना है, वो मतलब कहते ना अगल बगल वाला का जो भी होता है ना वो बनना होता है। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री की पावर है कि यहाँ पे जब आज आप काम करते हैं, आप जब सक्सेस लेते हैं, तो बच्चे पता है क्या बोलते हैं, भैया पापा आपकी तरह ही बनना है। तो ऐसे ही ये सिचुएशन है, कहते हैं आपको ही बोलेंगे आपके बच्चे की मम्मी आपकी तरह बनेंगे अब हम। तो ये बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, और रियल में बेस्ट विशेस हैं विनीता जी आपके लिए कि आप इस बिजनेस को और तेजी से करें और इससे डबल ट्रिपल 10 गुना इनकम आप यहाँ पे अर्न करें। तो बेस्ट ऑफ विशेस आपके लिए, आप जल्दी जल्दी रॉयल्टी अचीव करें, कार फंड ले, और बिल्कुल गाड़ी में आप अपने मदर के पास जाए। बेस्ट विशेस, बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी भी मेरा, मैं यहीं पे अड़ी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, अब तो मुझे कार लेके ही जाना है अपने मम्मा से मिलने के लिए, कमिटमेंट पूरा करना है। और बाकी टीम के साथ सर, टीम का, एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स करती हूँ मैं दिल से, और आपका भी सर, आप सभी के सीनियर्स का, क्योंकि
क्योंकि हम लोग आपसे ही सीख रहे हैं. और थैंक यू वेरी मच सर. लास्ट में मेरा यही है कि बेटर ध्यान्स बेटर लाइफ. आई लव ध्यान सर एंड आई एम अ डायमंड. वी ऑल आर डायमंड सर. थैंक यू वेरी मच सर. ग्रेट 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 मैम ग्रेट. तो अभी आपने वन ऑफ द पावर हाउस सुना जो वनिता जी थी, और अब मैं जो लेना चाहूंगा जो हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, काफी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब मैं जो लेना चाहूंगा वो हमारे वन ऑफ द सुपर मतलब एक और पावर हाउस है वो भी, और रियल में बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, और मैं अभी उन्हें स्क्रीन पे भी मैं देख रहा था, जो कि अभी ताजे ताजे ब्रोंज लॉयन बने हैं, बीएलडी बने हैं, रॉयल्टीज पे अभी आई हैं, और फीमेल पावर है, मतलब वन ऑफ द ग्रेट, वन ऑफ द इंस्पिरेशन टू द वुमेन, और रियल में उन्होंने अचीव करके दिखाया है इस कोरोना काल में भी. तो वो और कोई नहीं, वो है हमारी प्रिया शर्मा जी फ्रॉम ब्रोंज लॉयन, न्यू ब्रोंज लॉयन फ्रॉम फरीदाबाद. वेलकम मैम, वेलकम. हेलो, थैंक यू वेरी मच शिखर. थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए. तो आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, और हर बार की तरह वही कहते हैं यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन और यंगेस्ट डायनामिक लीडर, तो बहुत ही सुपर नॉलेज और बहुत ही शॉर्ट समय में जिस तरह से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो थैंक यू वेरी मच. तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, और इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग अभी पैनल में कनेक्ट हो रहे हैं, और जो लोग पैनल में आ रहे हैं तो उनसे काफी ग्रोथ हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा. और इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है हमारे आईडीनेट सिस्टम को, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ. और अभी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ अपने ब्रॉन्ज लाइन को लेके कि ये अचीवमेंट मिली और वर्ल्ड की रॉयल्टी अब लेने का मौका मिल गया है. तो जैसे अभी वनिता मैम ने कहा कि बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छा लगता है सारी मीटिंग ट्रेनिंग से, और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी बहुत इसी तरह बहुत इंस्पायर्ड हूँ वनिता मैम से, और बाकी जैसे कि सारी इतनी टीम से, सब इतना अच्छा अच्छा सारा मीटिंग दे रहे हैं, सब इतना अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं. जैसे कल सुशील जी ने बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग करी थी, बहुत ऑसम. तो हर एक लीडर का अपना योगदान है, और मतलब जो इस जितनी शिद्दत से लगे हुए हैं इस सिस्टम में, तो वो वाकई वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं. तो अभी मैं अपनी पूरी टीम से, जो अभी इसमें पैनल में आना स्टार्ट हो गई है, तो उनको सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हम लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और मतलब हम इस पे काम करते रहेंगे, तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है. हम सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और हमें जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो हम सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं, और सारे ड्रीम वन बाय वन धीरे धीरे पूरे होंगे. लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, हमें टिके रहना है, खड़े रहना है, जो कि मैंने किया. क्योंकि कोरोना काल में ऐसा कुछ हुआ था कि जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम इसमें आते रहे, अपने सीनियर से बात करते रहे, तो इसमें और अपनी टीम में से भी बात करते रहे. तो जो भी लोग इस पैनल में आए, तो वो आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने रैंक चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है. और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी. आज मैं जो भी कुछ हूँ वो मैं सिर्फ इस मतलब अपने सीनियर की वजह से और अपनी टीम की वजह से हूँ. तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी संजय सर का, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, जिन्होंने मुझे यहाँ पे रास्ता दिखाया, और जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें चल रहे हैं, और आगे मुझे इतना मोटिवेट करते और सपोर्ट कर रहे हैं. एंड योगराज सर का, जो टाइम टाइम पे अपनी गाइडेंस हमें देते रहते हैं. एंड पाल सर का बहुत बड़ा वाला बिग थैंक्स कहना चाहूंगी कि जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं. तो बाकी अभी दो दिन मेरी ट्रेनिंग मिस हो गई, तो वो भी मैं यूट्यूब पे मैं चेक कर रही थी, तो मैं वो भी देखती हूँ. तो इतना बढ़िया सिस्टम बन चुका है, तो जिसमें हम आगे रह के हम अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी टीम को कर सकते हैं. और अभी एक लीडर ने मेरे को यही कल परसों जब शेयरिंग हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि पहले क्या होता था कि हमें ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता था, और हम पूरी टीम को उतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे. लेकिन अब जूम के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल हुआ कि सारी सब कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सब कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है. तो मैं थैंक्स टू माई ऑल दी सीनियर अप्लाइंस एंड माई ऑल दी एंटायर टीम, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और जिनकी वजह से मैं आज ब्रॉन्ज लाइन हूँ. चाहे उसने थोड़ा सा भी उनका योगदान है, जो आज चाहे सिस्टम में है या नहीं है, या जो भी मेरे से इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उन सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूंगी.
बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत जल्द मैं यहाँ से अपना कार फंड अचीव करूंगी और मैं अपना यहाँ से SLD की मैं तैयारी करूँ, सीधे गोल्ड लोन की तैयारी। तो मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द कि अब हमने यहाँ पे करके दिखाना है, अब बोलने के तभी करके दिखाना है। जैसे पार्थ सर ने कल एक बात बोली थी कि हमें सिर्फ यहाँ पे करके दिखाएगा वही आगे आएगा, तो इसके लिए अब हम लगे हुए हैं जोरों शोरों से। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। बेटर ईयर बेटर लाइफ, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर द डायमंड। और थैंक्स टू IDBI सिस्टम, यू आर अ डायमंड। और रियल में हमें सिर्फ लगे रहना है जैसे मैम ने बताया, और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि फटाफट आप गोल्ड के पैनल में आए, जो हमारा टारगेट है 100 गोल्ड, 100 सिटीज, 100 एंडेवर, तो उसमें आप आए, तो बेस्ट विशेस हैं आप आपके लिए। और अब मैं जो लेना चाहूंगा वो और कोई नहीं, वन ऑफ द पावर हाउस है वो, और रियल में मतलब एक चार्जर कह लो, बैटरी कह लो, रिस्पोर्ट कह लो, तो एक ऐसे लीडर जिनके आते ही ना एक कहते ना गर्म हो जाता है माहौल। और ब्रोंज लॉयन, एज अ ब्रोंज लॉयन है, रॉयल्टी अचीव कर रहे कर रखी है उन्होंने, और इसके अलावा रिवाड़ी की शान है, तो वो और कोई नहीं, मैं देख रहा हूँ पैनल में हमारे साथ है मुकेश चौहान जी। तो वेलकम मुकेश चौहान जी, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वहां से कर सकते हैं अपने आपको। हाँ जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर का अनम्यूट तो हो चुका है बट वॉइस नहीं आ रही है। मुकेश जी आप बाहर जाके अंदर आइए, मेरे को ऐसा लग रहा है या लीड की कोई प्रॉब्लम है आपकी। तो मुकेश जी अभी आएंगे, उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे सुपर चार्ज लीडर जिनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, और रियल में वो एजुकेटर हैं, मोटिवेटर भी हैं, मेंटोर भी हैं, जिनको प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, और इसी नॉलेज के साथ उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दिखाई हिमाचल में काम करके, और बहुत ही अच्छे रैंक जिसको हम सिल्वर लॉयन बोलते हैं वो उन्होंने अचीव किया, और सून ही विल बी अ गोल्ड लॉयन, तो बहुत जल्दी वो गोल्ड लॉयन होने वाले हैं। और वो और कोई नहीं, हमारे वन ऑफ द ग्रेट लीडर, यंग लीडर, डायनामिक लीडर, हमारे योगराज शर्मा जी। सर वेलकम। योगराज जी को मैंने अनम्यूट किया हुआ है, वहां से अनम्यूट नहीं किया सबने। हाँ वेलकम सर, वेलकम योगराज जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा दो के पास ऑप्शन है, योगराज जी भी हैं और मुकेश सिंह चौहान भी हैं, दोनों ही ब्रिलियंट लीडर हैं, और दोनों में से अब देखना ये है कि वॉइस किसकी पहले आती है। हेलो शेखर जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। तो थैंक यू वेरी मच। मुकेश जी को मैं बोलना चाहूंगा सर एग्जिट करके वापस से आइए, आप सर रिकनेक्ट कीजिए आप एक बार ना। हाँ जी, यस सर, वेलकम सर, वेलकम योगराज जी। मैं पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था, रोड का काम चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी फ्रेंड्स पैनल पे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा था और मैं देख रहा था कि जब 24 साल का यंग लड़का इस तरह से प्रेजेंटेशन देता है ना, तो सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि
मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं। मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं मेरे दोस्त, जहां कश्तियां जिद पे होती हैं। वाओ, जब नाविक जो जिद पे आ जाता है ना, तो उसकी जो कश्ती है वो पार लगती लगती है, लहरें कितनी भी जो है तेज हो, बड़गरा नाविक अच्छे हैं तो आपकी कश्ती किनारे तक जरूर जाएगी, मंजिल तक जरूर जाएगी। और आपने ये प्रूव किया है शिखर जी, जो आज आप बातचीत करते हैं, जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, तो उससे वो नजर आता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी, आपकी महारत कितनी है। और यही सभी को करना है, हम सभी को जो है। और आज आपको एवरी डे आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से आप लाइफ में गोल सेट कर सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, खुद को तैयार करना है। और जब आप तैयार हो जाएंगे, आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में काम तो हम करते ही हैं। अगर ट्यांस नहीं तो कुछ तो कर ही रहे लाइफ में। ये 2021 और 2022 आप कुछ भी करेंगे तो बीतेगा, आप इस टाइम चक्कर को नहीं रोक सकते, आप टाइम को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, 2021 को जाने से नहीं रोक सकते, 2022 को आने से नहीं रोक सकते हैं, 2022 को जाने से नहीं रोक सकते हैं। बट इन 2 साल में आप अपने जीवन में क्या करेंगे, इन 2 साल में आपकी लाइफ कैसी होगी, ये डिसाइड करेंगे आपके आज के लिए गए डिसीजन। आज आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप इन 2 सालों में क्या एक्टिविटीज करते हैं, और इन 2 साल में आप किस तरह से अपने टारगेट, अपने गोल को सेट करते हैं, और उनका पूरा करने के लिए आप कितने एफर्ट्स करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि ये जो 2 साल है हमारे जीवन के, ये कैसे हो सकते हैं और इन 2 साल में हम क्या कर सकते हैं। तो एवरी डे आप हमें टीच किया जाता है कि इन 2 साल में हम क्या कर सकते हैं, इन 2 साल में आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं, आप अपनी सिटी का नाम दर्ज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ गोल्ड लाइन, और आप ये कह सकते हैं कि इन 2 साल में मैं एंडेवर जैसी गाड़ी लूंगा जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है। ये पॉसिबल है दोस्तों, बट उसके लिए हमें अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। और अगर ये आपने कर दिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इन 2 साल के अंदर जो है आप उस 100 सिटी में एक सिटी आपकी हो सकती है, एक नाम आपका हो सकता है, और एक एंडेवर गाड़ी आपकी हो सकती है। जब हम 2023 में इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो एक नाम आपका हो सकता है जो कि टियांस की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना गोल सेट करें, अपना टारगेट सेट करें, अपना वाई स्ट्रॉन्ग करें। और वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए हमारे साथ जो हमारी जो मेंटरशिप है, हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो गुरु हैं, वो एवरी डे हमें टीच कर रहे हैं। तो आई हार्टे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने जो माहौल बनाया है, और जो आप अपने अपने रीजन में हर लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड वी आर नंबर वन इन एवरी रीजन, एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी एरिया। तो ये आप सभी ने प्रूव किया है, उसके लिए आप सभी के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टे थैंक्स। और आई हार्टे थैंक्स टू अवर ऑल सीनियर मेंटर्स और ऑल लीडर्स जो एवरी डे टाइम टू टाइम हमें टीच करते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि वी आर लर्निंग एवरीबॉडी, हम हर एक आदमी से सीखते हैं। सो आई हार्टे थैंक्स टू पाल सर, आई हार्टे थैंक्स टू शेखर बोरा जी, आई हार्टे थैंक्स टू ऑल लीडर्स जो आपको टीच करते हैं, चाहे वो 6 स्टार है, चाहे 7 स्टार है, चाहे 8 स्टार है, जो आप शेयरिंग करते हैं ना, तो हम आपसे भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एंड फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, बिनमिन ट्यांस, आई लव ट्यांस आईडी नेट सिस्टम, वी ऑल आर अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये बिल्कुल ये ठप्पा लग चुका है कि 100 सिटीज, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर, और ये सिर्फ 2 सालों में। तो ये yes. सब पॉसिबल है, सिर्फ रेडी करना है आप सभी को। और रियल में सर, आप जब भी आते हैं तो कहते हैं ना कि एक पैनल में एनर्जी आ जाती है अलग सी,
और जिससे कि वी कैन डू दिस सर। और तो बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। और अभी आपने सुना वन ऑफ हमारे डायनेमिक लीडर योगरा जी को, जो हिमाचल में बहुत ही अच्छे से धूम मचा रहे हैं, और अभी नेटवर्क जो है बहुत ही अलग अलग स्टेट्स में इन्होंने काम किया है। और इसी के साथ अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मुकेश चौहान जी भी वापस रीबैक किया है उन्होंने, तो एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ कि उनको मैं पैनल में लेने की। तो मुकेश सिंह चौहान जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। अब वहां से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। चैनल में है सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। बड़ा अच्छा लग रहा है शेखर जी, मैं आपका पूरा प्रवचन सुन रहा था, बहुत ही जबरदस्त। और जितने भी लीडर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यदि पैनल में जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तो करने की जिद टाल बना ही ली होगी। तो दोस्तों, मैं एक चीज स्पेशली बताता हूँ सभी को, मैं थोड़ा सा इसको सामने रखता हूँ सर। अब मेरी फोटो थोड़ी कम आएगी, फोटो मेरी थोड़ी कम आएगी। इतना जरूर ध्यान दे सभी, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीत सदा असंभव बना रहेगा। तो याद रखें, हमें दौड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण मुकेश जी का, मेरे को लग रहा है सिग्नल लॉस्ट हुआ है, मैं एक बार फिर देखता हूँ सर को। यस सर अनम्यूट कर दिया है मैंने यहाँ से, वहां से बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, आ गए आप। हेलो। यस सर जो लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, और उधार उधार की ताकत वाले घायल होते हैं। बहुत से साथी, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मुझे एक और ऐसा मिल जाए तो मेरा काम टल जाए, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। मैं कभी नहीं कहता हूं मुझे एक और मिल जाए, मैं कहता हूं मेरे जैसा और बन जाए। जो लीडर्स ये रखेंगे कि मेरे जैसा वो बन जाए तो फायदा है, वो चाहे ना कि कोई मिल जाए, मरेगा हारेगा, क्योंकि हमें यदि आगे बढ़ना है तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आवाज आ रही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। मजा आ गया, आवाज आ रही है सर। कभी भी इन बातों पे ध्यान ना दे कि मुझे एक और ऐसा मिल जाए, क्योंकि और सभी लीडर, सभी साथी ध्यान दे अपने आप पर, फुल कॉन्फिडेंस रखे अपने, क्योंकि जो आप है ऐसा पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। बस इतना मान ले, जो आप है ना, जो जिस दिन जिसने ऐसा मान लिया कि जो स्वयं है इससे बढ़कर कोई दूसरा है नहीं है, बस उसी दिन आप फतेह कर सकते हैं। उसी दिन से आप, यानी कि चाहे वो ब्रॉन्ज लाइन है, चाहे सिल्वर लाइन है, चाहे गोल्ड लाइन है, चाहे वो डायरेक्टरशिप है, एसटीडी है, आप सभी लेवल ऑटोमेटिक पार कर चुके हैं, बस कंप्यूटर में डेट डलनी बाकी है। लेकिन इसके लिए अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा। यदि पहचान बनानी है ना, पहचान बनानी है तो याद रखे अकेला ही चलना पड़ेगा, अकेला चलना पड़ेगा तभी पहचान बनती है। ऐसे पहचान नहीं बनती है कि मैं इंतजार करता रहूं। टीम को साथ लेना है, ये आपका अपना कर्तव्य है। यदि पहचान बनानी है, लीडरशिप आपको लेनी है, लीडरशिप दिखानी है, तो आपको आगे होकर चलना होगा। और जो लोग ऐसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग
हम इसमें कहते हैं ना कि 2-5% लोग कामयाब होते हैं, इसीलिए बोलते ना वो लीडरशिप की जो मेन गट्स है वो अपने आप में धारण करते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं। तो ये नहीं देखते कि वो आएगा, ये आएगा, वो करेगा, ये उखाड़ेगा, वो उखाड़ेगा, नहीं, जो मैं कर रहा हूं मेरे से बढ़कर कोई नहीं कर रहा है, इतना सोच लीजिए आप, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है सर, जो ये सपना है 100 सिटी 100 गोल्ड 100 एंडेवर, सर मैं कहता हूं ये आईडिया सिस्टम जो हमारा है इसके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन बदलने वाला कब है? जब हम स्वयं बदलेंगे, हम स्वयं बदलेंगे तब भविष्य बदलने वाला है, तब लोगों का भविष्य बदल पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम जूम पे आ जाते हैं, बड़ी ध्यान से सुन लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर भी ध्यान में रहता है सर कोई एक और मिल जाए, सर एक मिल जाए, नहीं, जो मिले हुए ना उनको अपने जैसा बनाओ, जो मिले हुए ना उनको अपने जैसा बनाना सीख लो, मैं कहता हूं। और ऐसा हर व्यक्ति बन सकता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऐसा बन चुका हूं तो मैं हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं सोचता हूं कि मुझे एक और मिल जाए, मैं सोचता हूं नहीं अभी तो और ऐसे ऐसे बनाने हैं। तो ध्यान दे सभी साथी, सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर्स, डुप्लीकेसी कब बनेगी, डुप्लीकेसी तैयार कब होगी, जब आप स्वयं अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस से, अपने आप पे जनून से, आप अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने सीनियर्स पे, अपने जितने स्मॉल क्लाइंट्स है सब पे फुल कॉन्फिडेंस से विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। एक नहीं सभी पे, जैसे हमारे अभिषेकर जी ने बताया 4 पिलर होने चाहिए, वो 4 पिलरों में ये जो पॉइंट होते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, हमारे कंपनी का बिजनेस प्लान, जितने भी सीनियर एक्सपर्ट जो कामयाब हो रहे हैं आप उनको देखिए, वो पिलर है, जो लोग कामयाब हो रहे ना, जो लीडर कामयाब हो रहे हैं वो कैसे कामयाब हो रहे हैं, वही तो आंख वाले हैं, वही तो हाथ है, सब पूरी बॉडी का सेम है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग है, कुछ हजारों लाखों में से हटके है, वो क्या है, वो जनून है। तो जनून पैदा करने पड़ेगा, सभी साथी ध्यान दे, सभी डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान दे, अपना जनून पैदा करें। वो जो 28 तारीख का भी सेमिनार होने जा रहा है वो ऐतिहासिक नींव का पत्थर नहीं मील का पत्थर साबित होने होगा। इसमें जितने अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूटर, जहां जहां प्रोडक्ट दिए है, जहां जहां आप प्लान दिए है, उन लोगों को लेके आना सीखे, क्योंकि जो आप नए आदमी को लेकर आएंगे, नए तो आपने उनको प्रोडक्ट दिए है, नए बिजनेस प्लान दिया है, वो आएंगे और बस टाइम पास करके निकल जाएंगे, लेकिन आपने प्रोडक्ट दिए है, बिजनेस प्लान दिए है, जहां जहां पर आपने डेमोस्ट्रेशन की है आप उनको ही इनवाइट करें, उनको लेके आए, आपका अपना अपने आप लेवल चेंज हो जाएगा। और जितने भी साथी है बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त है, और 28 तारीख का सेमिनार रेवाड़ी के अंदर होने जा रहा है, उसमें सभी इन्वाइटेड है, सभी पहुंचे, वो तो दूर है नहीं पहुंच पाएंगे, वो लाइव जरूर देखें, गलती से भी लाइव मिस हो गया ये मानो, लाइव मिस होना यूट्यूब पे देखना अलग अलग है, उस समय का देखना और बाद में देखना, तो ध्यान रखे मिस ना करें, सभी इसमें बढ़ सकते हिस्सा लें। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू शेखर सर, आप मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स, वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड्स, वी आर डायमंड्स, थैंक यू सर, आई सेल्फ सर, ग्रेट, मजा आ गया। और मैंने जैसे बोला है ना कि सर पावर हाउस है, और रियल में आप पावर हाउस निकले, और बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। और एक ही बात मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि तोड़ना है किन चीजों को, अपनी आदतों को, अपनी बुरी हैबिट्स को तोड़ना है, अपने उस माइंडसेट को जिसने अभी तक आपको आगे बढ़ने से रोका, तोड़ना है उस विश्वास को जो आपको हमेशा पहले ये था कि भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, इन सारी जंजीरों को तोड़ना है और आगे निकलना है और अपना नाम बनाना है। तो रियल में सर थैंक यू सो मच, मुकेश चौहान जी बहुत ही बढ़िया स्पीच आपकी रही, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, और बहुत सारी नई चीज लोगों को सुनने को मिली, तो इसके अलावा थैंक यू सो मच। और अब जो हम लेना चाहेंगे वो मैं पैनल में देख रहा हूं, लीडर्स हमारे साथ बहुत सारे हैं,
और जो मौका है वो हम किसको देते हैं अब? अभी जो हमारे साथ है चिराग जी हमारे साथ हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज कर रखा है, तो मैं बिल्कुल उनका वेलकम करना चाहूंगा चिराग जी का। बिल्कुल सर वेलकम, मैं सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल डियर सर डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी पैनल में है, और सभी का धन्यवाद करूंगा कि सभी मतलब दिल लगा के सब पैनल में आते हैं और काम करने की इच्छा भी रखते हैं। और तनु राज मैडम ने जो भी बताया था, वनिता मैडम ने, कि सैलरी के अंदर जो जॉब करता है आदमी, तो उसमें तो मतलब जो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं होती है। एक्चुअली मैं भी 3 साल से कर रहा हूँ, तो 5-6 साल से मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था मतलब उस पैसे में से कुछ नहीं बचता था। अब ये 3 साल से मैं इसके अंदर ज्वाइन हूँ, लेकिन एक्चुअली सर पहले क्या था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सर को भी बताया था कि पता नहीं था, मतलब मेरे को रिटेलिंग का सिखाया गया था, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के सिखाते हैं वैसे ही चलता है, तो मेरे को रिटेल का मतलब उन्होंने सिखाया था कि भाई देखो आप 128 में लो और 160 में बेचो। तो मतलब मैं कैश में पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड था उस टाइम पे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम के बाद शायद मैं, हो सकता है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद, अगर मैं भी नेटवर्किंग का मतलब आईडी तो मेरे हर महीने में 2-3 आ ही जाते हैं, लेकिन सोच यही रहा हूँ कि हर रोज का 2 या 3 आईडी निकालूं। अगर सुबह में निकल जाऊंगा मानो कि 5-6 जगह पे या तो 7 जगह पे जाऊंगा, तो मतलब सबको प्लान समझाऊंगा, मतलब उस हिसाब से जो सिस्टम जो होती है ना सर, वो सिस्टम से अभी जाना है। रिटेल से तो अभी मेरे कस्टमर ऐसे 2800 के ऊपर तो कस्टमर है जो उनके तो ऑर्डर आने ही आने, मतलब 50-60 हजार तो वो देने वाले है हर महीने के। तो अभी कुछ नया मतलब जो सर ने बताया था कि चिराग भाई अभी 50-60 हजार से ऊपर अब लाखों में जाओ, और वो बात भी उनकी सही है क्योंकि लाइफ सर बहुत छोटी है, छोटी लाइफ में जितना अर्न कर लिया वो बहुत बेटर है। और मैं तो वही बोलूंगा कि रिटेल तो करो आप, लेकिन हो सके तो जितने नेटवर्क मार्केट जितना बड़ा बनाओगे, बैठे बैठे इनकम मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। और पिछले में 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि मेरे पास पैसे मतलब इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, तो अभी जो रिक्वायरमेंट सर जो होती है ना वो जब फुलफिल होती है तो एक काम करने का मजा भी अच्छा मिलता है। और सर अपनी टियांस की जो प्रोडक्ट है वो तो अमेजिंग है। अगर मार्केट में जब कोई कस्टमर पेशेंट जो होता है जो डॉक्टर के पास से दवाई लेता है, 6-7 महीना खाते है, कंटालने के बाद फिर अपने पास आते हैं, और फिर उनको 15 या 20 दिन में जब रिजल्ट मिलता है तो और भी 6-7 लोग उनके साथ मतलब परचेज करने के लिए या तो आईडी पाड़ने आईडी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सर मैं यही मानूंगा कि अगर एक कंपनी अगर मेरे को 3 साल या तो मतलब 2-4 साल पहले अगर मिल गई होती ना तो कहाँ से कहाँ मैं पहुंच जाता। लेकिन बोलते हैं ना सर, जब से जागे तब से सवार, मतलब सुबह होती है तो कोई सवेरा। हाँ सर वो तो है। और मैं तो सर यही सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलूंगा कि अगर आप इनको जॉब की तरह लो, जैसे कि हम जॉब में हर रोज जाते ना सर 8-9 घंटा, तो आप जल्दी सुबह उठो, आप डिसाइड करो कि आज मेरे को इस एरिया में जाना है, इस सिटी में जाना है, 7-8 लोगों को मिलो, 3-4 लोग को तो आईडी मिलना ही मिलना है, तो मतलब 2-3 घंटा वहां पे जाओ, दूसरी जगह पे चेंज करो। तो अगर सर आप पूरा दिन 8-9 घंटा करोगे ना तो नहीं बिलीव नहीं करोगे, महीने के अंदर तो इतने आईडी निकल जाएंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाते। जो अब मैं जब सर ड्यूटी भी करता हूँ, 1-2 घंटा काम करता हूँ, इसमें ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जॉब भी रहता है मेरा, 100 किलोमीटर आना जाना होता है, फिर 9 घंटा ड्यूटी, मतलब 13-14 घंटा तो मेरे इसी स्पेंड हो जाते हैं। मिलता है मेरे को हार्डली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो अगर जो आदमी 2 घंटे में मंथली 50,000 कमा सकता है, तो मैं जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास इतनी डाउनलाइन है, तो वो सोचो सर लाखों में कमा सकता है अगर वो दिल से अगर काम करे, अगर एक दिन भी गैप नहीं रखे। मैं छुट्टी के दिन भी घर पे नहीं रहता हूँ, सोचता हूँ कि यार 1,000-2,000 कहीं से या 3,000 कहाँ से मिल जाए, तो बस सबको फॉलोअप करता हूँ, ऑर्डर आ जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो सर इतिहास में यही फायदा है कि आप जिंदगी भर नौकरी करो, कुछ नहीं मिलना है, खाली घर चलेगा। साइड में अगर आपको कुछ नया करना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, तो मतलब अपनी जो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना सर, वो टियांस से ही मिलती है हमको, क्योंकि टियांस में पैसा है, टियांस से हर एक चीज मिल जाती है। और सर जैसे भी पाल सर है, आप है, फिर योगराज सर है, मैं कुछ दवाई का प्रॉब्लम होता है तो मैं योगराज सर को फोन करता हूँ कि सर ऐसा ऐसा एक केस आया हुआ है, तो मतलब कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो उनका तो दवाओं के बारे में बहुत भयंकर नॉलेज है उनके पास, क्योंकि वो डॉक्टर से भी ऊपर है। पाल सर वही बोलते कि मुझसे अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ या तो मैं बिजी हूँ, आप योगराज से भी कांटेक्ट कर सकते हो।
योगराज सर भी मतलब हेल्पफुल है, उनके जो पैनल में सभी लोग हैं और जो भी सेमिनार में आते हैं वो जो सबकी स्पीच होती है, मतलब एक सर एक एनर्जी हो जाती है कि हम सोचते हैं रात भर सोचते ही रहते हैं कि कल किसको बात करें, कल किसका आईडी बनवाए, कल किसको मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज दे, मतलब हम जुटे रहते हैं ना सर इस सेमिनार में जुटे रहते हैं, तो 50% हमारा जो माइंड होता है ना पैसे कमाने में ही रहता है। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके एक घंटा दो घंटा है तो आधा घंटा भी पैनल में आप आओ, क्योंकि आप जिस चीज के साथ जुड़े रहोगे ना तो उनके साथ से ही आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज ताजा रहेगा तो आप किसी और को समझा सकोगे, फिर आप वो समझेंगे जब ऑर्डर लेके फिर जो सर कमीशन आता है ना तब मजा आता है कि यार चलो 10-15 हज़ार मिला है, रिटेल से भी 30-40 हज़ार मिल गया, फिर मजा आता है सर जब अपना ऑर्डर जाता है कोई आईडी गिरता है फिर 15 तारीख या तो 1 तारीख जो कमीशन मिलता है ना वो जो खुशी होती है ना सर वो सैलरी से भी बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सैलरी का ठिकाना नहीं होता है कभी 10 तारीख कभी 20 तारीख, इसमें तो सर डेट फिक्स है और आप मेहनत करोगे भगवान भी देखता है कि नहीं यार ये बंदा काम कर रहा है, 1500-2000 नहीं यार 1000 तो दे दो यार। तो मतलब मैं देखा है सर कि हर एक पैनल के अंदर जितने भी लोग है सब ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, सब मेहनत कर रहे हैं, तो सर मैं तो यही कहूंगा कि आप अच्छी तरह नॉलेज दे रहे, फ्री में मिल रहा है सर नॉलेज, कहीं बाहर लेने जाओगे मेडिसिन का या तो फूड सप्लीमेंट का कोई भी नॉलेज तो लाखों रुपए देना पड़ता है, और आप सर है फिर पाल सर है तो इनका जो नॉलेज सबको मिलता है, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि सर फ्री में जो नॉलेज मिल रहा है और पैसे जो मिल रहे हैं फ्री में, करना क्या है सर, दो लोग को जाओ प्लान समझाओ, एक अगर आदमी समझ जाता है वो अगर आईडी 12,000 का है 13,000 का स्टॉक लेता है तो फायदा किसको है सर, 1200-2000 रुपया तो ऐसे ही अकाउंट में आ ही जाते हैं, तो यहाँ पूरा दिन काम करो तब 800-900 रुपया मिलता है 9 घंटे में, ये आधे घंटे में हमको 1200-1300 रुपया मिलता है, तो सर बेटर है ना कि जॉब से अच्छा तो यही है, ये कुछ करना भी नहीं है, पैसे भी आ रहे हैं, पूरा दिन फ्री हो, फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो सर मेरे को तो डीएस बहुत जम गया है, दिन में 10 कॉल आते हैं सर अलग अलग कंपनी से, चिराग भाई आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, ये प्लान है वो प्लान है, मैं उनको यही बोलता हूँ यार देखो मैंने शुरुआत कर दी है, मैं अभी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, काफी अच्छी पोजीशन में हूँ मैं टियांस में, अब नए सर से मैं एकड़े घुटने नहीं जाऊंगा, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं टियांस में रहूंगा, क्योंकि टियांस से मेरी काफी सारी चीजें घर में आ चुकी है, और सर हम हैप्पी है, टियांस के रिजल्ट भी अच्छे हैं, सबका मतलब रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है, फीडबैक भी अच्छा है, सबका सपोर्ट है, इतना बड़ा वेबिनार का सेमिनार मिल रहा है, तो सर इतना तो कहाँ मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, और सर ये सिर्फ आईडी नेट सिस्टम की कृपा है जो पाल सर ने दी, जिसकी वजह से हम इतनी सारी नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं, और सर, मैं लॉकडाउन से अटेंड कर रहा हूँ, मेरा लॉकडाउन में भी अच्छा चलता है, मेरा हर दिन अच्छा चलता है। आपको देखते हैं सर आपको, और रियल में बहुत अच्छा लगता है जब आप पैनल में आते हैं आप बताते हैं, और रियल में मैं चाहूंगा कि आप फटाफट हमें 8 स्टार और गोल्ड लाइन पैटर्न में आना है, 7 स्टार तो मैं नेक्स्ट मंथ हो ही जाऊंगा, अभी ज्यादा कुछ पीवी नहीं है, 2500 पीवी कम पड़ रहा है, वो तो 1-2 महीने में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वन मैन आर्मी हूँ ना सर, आगे पीछे कोई नहीं है, कमांडो मान लो या वन मैन आर्मी मान लो, तो जो भी है चौहान जी ने यही तो बोला अकेले चलना है। हाँ सर बस टीम लेके चलना सर, इसमें एक ही चीज देखना है, मैंने एक चीज सीखा है इसके अंदर, जो डिपेंड रहता है ना वो निचले वाले कब टूट जाएंगे ना, जब सूरत में काफी ऐसा हुआ है सर, सूरत में कई बोल्ड लाइन ब्रॉन्ज लाइन टूट गई है सर, टूट चुकी है वो लोग, क्योंकि वो जो दो लोग लेग के ऊपर वो दम मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड रहते थे ना, वो दोनों लेग लाइन ही टूट गई उनकी, तो वो अकेले क्या करेंगे, क्योंकि उनके जितने कॉन्टेक्ट थे वो तो चले गए सर, अब वो अकेले क्या करेंगे, मैंने तो 2800 लेडीजों को पकड़ के रखा है, किसी को मार्केट में कोई चीज लेने जाने देता ही नहीं हूँ, अरे की डेट लिख के रखता हूँ, जैसे भी फोन डेट खत्म होने आती है मैं तुरंत फोन मार देता हूँ, तो वो भी डरते हैं मेरे से कि नहीं यार अभी चिराग भाई का फोन आएगा, बाहर से कोई चीज लेनी नहीं है, वरना घर पे आके खड़े हो जाएंगे प्रोडक्ट पकड़ा देंगे, तो सर मैं अकेला 2800 को हैंडल कर रहा हूँ, दिन का 30-40 कॉल जाता ही है मेरा और ऑर्डर आ ही जाता है, तो सर डिपेंड नहीं रहना है। हाँ जो सर मैं मानता हूँ कि जो इसके अंदर कंटिन्यू काम करना चाहते हैं आप उनको लेके चलो, टीम को आप सेमिनार में लाओ, वो अलग बात है, लेकिन आप अकेले बैठे हो कुछ कर नहीं रहे हो और टीम के ऊपर डिपेंड हो वो गलत बात है सर, क्योंकि उनकी मेहनत का जितना मिलना था उतना ही मिलेगा, फिर जब वो दोनों लेग टूट जाएगी, दोनों स्टार टूट गए, तो फिर आप क्या करोगे, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं है हमें काम ही जोड़ने का करना है सर। हाँ सर लोग जब तक बात करोगे ना तो दुनिया करती है, मतलब है आपको अपनी एजुकेशन आपको अपनी लर्निंग जब आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो कोई किसी का साथ नहीं छोड़ता है,
तो सिंपल है कि आपको, हाँ बिल्कुल, अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और बहुत बढ़िया, सबको पैनल में लेके चलना है सर, सबको फॉलो करना है, सबको गाइडलाइंस देना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास चाहिए सर, और सबको पैनल में भी लाना है आपके लिए भी, बिल्कुल यस सर, सबको कांटेक्ट में भी रखना है, सबको प्रमोट करना है, सबको हेल्प भी करना है, हर एक के सेमिनार में जाना है, उनको ट्रेन भी करना है, मतलब सर एक अपना ट्यूशन क्लास जैसी से, मतलब हर रोज उनको गाइडलाइन करके उनको जहां पर भी कमी आती है उनको सपोर्ट करना है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे, अगर उनका साथ छोड़ दिया तो आप भी फेल हो जाओगे सर। बिल्कुल, पाल सर ने पकड़ के रखा है ना सर, पाल सर ने कितने लोग को पकड़ के रखा है, 80 लोग, 70-80 लोग को पैनल में पकड़ के रखा है उन्होंने, बिल्कुल, वो जानते हैं कि अगर ये लोग रहेंगे तो मैं हूँ और मैं रहूंगा तो ये लोग, अगर 500 सेमिनार बंद कर देंगे ना तो सर सब जीरो हो जाएगा, तो बेस्ट है कि सर पाल सर को सपोर्ट करो, पाल सर का सेमिनार अटेंड करो, उनसे जितना भी नॉलेज मिलता है फ्री में सब ले लो, अभी पता ना चले कल उठ के पाल सर कहीं आगे चले गए और हम लटक जाएंगे, फिर हमको नॉलेज कौन देगा फिर, तो वो भी तो सर एक चीज है, तो सर मैं तो यही कहूंगा कि सब मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्यूचर में आगे बढ़े, पैसे कमाएं, उनकी फैमिली का अच्छी तरह ख्याल रखें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, टियांस में पैसा बहुत है सर, जितना बटोरना है बटोर लो, और कोई कंपनी में इतना पैसा नहीं है, सब कंपनी मैंने सबका मैंने पीडीएफ देख लिया, सब कुछ प्लान समझ लिया, कुछ नहीं है सर उसके अंदर, सब लुटेरे भरे उसके अंदर सर, सब पैसा लेके भाग जाते हैं लास्ट में, अभी सूरत में रिसेंटली कांड हुआ है करोड़ों रुपए का करके चले, तो सर हमें सिर्फ एक ही चीज कहते हैं ना, हमें पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव तो दुनिया में भरा पड़ा है बस, बहुत है सर, अहमदाबाद में आप नहीं सोचोगे 50-100 कंपनियां भरी पड़ी है, अहमदाबाद गुजरात छोड़ के कहीं पे जाओ ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी, यहाँ तो इतनी रोज कंपनियां आती है, कई लोग टियांस में छोड़ के गए लेकिन वो वापस ही आने वाले इसमें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, अभी हम कहते हैं ना सिर्फ एक ही चीज है, कहते हैं बेटर टियांस बेटर लाइफ सर, यस बेटर टियांस बेटर लाइफ सर, आई लव टियांस, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर, थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट विशेस है सर, फटाफट आप 7 स्टार बने और बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अभी आपने चिराग जी को सुना और इसी के साथ मैं वन ऑफ द हमारी सुपर डायनेमिक लेडी जो सुपर चार्जर है और रियल में वो जब पैनल में आती हैं, वो जब अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं तो उस फीलिंग से काफी सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं और रियल में अपने आप को फील भी करते हैं कि वो प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही हैं वो हम भी फेस करते हैं, तो एक पावर हाउस है वो भी, वुमेन एम्पावरमेंट की वन ऑफ द एक लीडिंग लीडर भी है जो 8 स्टार है और वो बहादुरगढ़ से है, सुशील चिकारा जी, वेलकम मैम, वेलकम, आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है वहां से अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं अभी उनकी जगह जो लेना चाहता हूं मैं लूंगा सुधीर शर्मा जी को जो कि 7 स्टार हैं और रियल में अभी बहुत जल्दी हम यहाँ पे अभी बहुत अच्छा हम वर्क करने वाले हैं और मेरे को लग रहा है सुशील जी भी आ गए हैं, स्वागत है, अनम्यूट कर रखिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मैंने कहा अब दो चॉइसेस हैं तो सुशील जी आ गई हैं, फिर हम मौका देंगे सुधीर जी को भी, सो वेलकम सुशील जी, वेलकम, थैंक यू सर जो मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर, और आज का जो सेशन था सर आपका वो बहुत ही जबरदस्त था सर, बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं सर आपकी तरह हम भी ऐसे ही प्लान कर पाए, ऐसे सेशन कंप्लीट कर पाए, तो हम आपकी तरह ही सीखना चाहते हैं सर, जैसे पॉल सर ने आपको सेम डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर दिया, तो हम चाहते हैं सर कि हम भी आपकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाए, तो सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं पॉल सर का जिन्होंने इतना सुपर आईडी नेट सिस्टम तैयार किया, यहाँ से हर आम इंसान भी एजुकेटेड हो सकता है, एजुकेशन ले सकता है, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा जबरदस्त है सर, यहाँ से हर इंसान जल्दी से जल्दी अचीवमेंट भी कर सकता है और कैसे हम अपनी जो नेटवर्क है उसको ग्रोथ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर, यहाँ से हम डेली सुनते हैं अवनीता मैम को या फिर जो हमारी जो प्रिया मैम है उनको, उनको सुनते सुनते ही सर हम यहाँ से अपनी जिंदगी में चेंज हम खुद भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप सब की तरह अपनी टीम को भी तैयार कर सके,
तो बहुत अच्छा लगता है सर, यहाँ से हमें एक अच्छा विजिट तो मिलता ही है सर, उसके साथ के साथ हमें लाइफ स्टाइल भी मिलता है, जो एजुकेशन है उसके साथ के साथ हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है, और जो अर्निंग का जो सोर्स है वो बहुत ही अच्छा है सर। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं और जो आज फर्स्ट बार इस मीटिंग को ले रहे हैं, तो वो जिसने भी उनको बताया है वो उसके लिए भगवान है, क्योंकि सिर्फ वो एक इकलौता इंसान है जो उसकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है। तो जैसे वो बताता है आप उसको वैसे ही फॉलो करो, और एक दिन आपकी जिंदगी कैसे चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये डुप्लीकेशन का है, और यहाँ पे एक ही मूल मंत्र काम करता है, कहते हैं ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाते रहो जिंदगी भर पैसे। तो थैंक यू सो मच सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस सर, और आई मे डायमंड सर, और वी ऑल आर डायमंड, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट सुशील जी, यू आर अ रियल डायमंड, बहुत बढ़िया लगा आप पैनल में आए। और अभी इसी के साथ सुधि जी भी हमारे साथ लाइन पे हैं, तो मैं सुधि जी को भी मैं वेलकम करना चाहूंगा, वो भी अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सुशील मैम बहुत ही अच्छा बोलते हैं सर, और वनीता मैम भी बहुत अच्छा, तनु मैम है सर, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और जिनको सुन के सर इतना हम अप्रिशिएट, हम इतना फील होता है हमें कि कितने अच्छे हम लोगों के बीच में हैं। और सर सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू आपका मेरे को मौका देने के लिए। दूसरा, आपने जितना अच्छा वेबिनार आज हमें दिया है सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज, और हर बार सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, और जितने ही आपका एज के अकॉर्डिंग सर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा दिखता है यहाँ पे जिस तरह से आप बोलते हो सर। और थैंक्स आईडीनेट सिस्टम का जिसने हम सबको जो है एक साथ यहाँ पे जोड़े रखा है, तो सर बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ मिलके काम करना। और मेरे सभी सीनियर्स का थैंक यू, मेरी प्यारी से टीम का थैंक यू, और जिनके साथ मिलके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, और सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला उसके लिए मैं गॉड का थैंक यू, ली जूनियन सर का थैंक यू करती हूँ सर। एक्चुअली आज जिस तरह से मुकेश सर भी कह रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा एक स्टोरी याद आ गई, छोटी सी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। एक्चुअली सर एक बार अब कैमल्स होते हैं, ऊंट ने अपनी मम्मा से पूछा, ऊंट के बेबी ने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा ये जो हमारा कूबड़ होता है ये किस यूज के लिए होता है। तो सर उनकी मम्मा ने बोला, बेटा एक्चुअली हम जब रेगिस्तान में होते हैं तो पानी कई बार हमें ऐसा मिलता है कि पानी नहीं मिल पाता, तो उसको स्टोरेज करने के लिए, ताकि हम लाइफ काफी टाइम तक उसको यूज कर सके, हम रह सके जिंदा बिना पानी के, इस वजह से हमें भगवान ने ये दिया है। दूसरा बोला कि अच्छा माँ वो तो ठीक है, बट ये बताओ अपने पैर इतने बड़े बड़े इतने चौड़े चौड़े क्यों है। तो बोला कि रेत में चलना पड़ता है ना ताकि हम स्लिप ना करें, फिसले ना, तो बेटा इसलिए जो है गॉड ने हमें ये दिया है। तो बोला मामा बहुत बढ़िया, हमारी आंखों के बड़े इतने बाल क्यों है मामा, इतने बड़े बड़े क्यों है, अच्छे नहीं लगते। तो मम्मी ने बोला कि बेटा एक्चुअली कितना यहाँ पे रेत इतना उड़ता है, वो हमारी आंखों में ना जाए मिट्टी, वो रेत हमारी आंखों में ना जाए, तो गॉड ने हमारी प्रिकॉशन के लिए, हमें उससे बचाने के लिए हमें ये जो बाल दिए हैं। तो सर बेटे ने बोला कि मामा आप बोल रहे हो रेगिस्तान, हमें रेगिस्तान में रहना है, चलना है, वहां काम करना है, तो फिर हम जू में क्यों हैं? तो सर मम्मी उसका ये आंसर सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गई एकदम से। तो सर यही कहीं ना कहीं हम सब भी एक तरह से इतना टैलेंट जो यहाँ पे इतना है, और तियांस में आने से पहले हम भी सर एक जू की तरह है, क्योंकि हमें हमारे अंदर भी हमें फील हो रहा है अब कि हम क्या कुछ कर सकते थे, कितना लाइफ के हमने इतने जबरदस्त साल जो है वो वेस्ट कर दिए, लेकिन सर अब जो है भगवान की कृपा हुई है और हमें जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर, अब हम उस जू से निकल चुके हैं और इतने अच्छे जबरदस्त प्लेटफॉर्म में है तियांस के साथ, और हम जो है इसी तरह से सर आप सबकी गाइडलाइंस के साथ, और हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है, और हम सर बहुत अच्छा यहाँ पे करेंगे सर। टियांस जो है बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, मैंने फील किया है, प्रैक्टिकल्स मैंने अपने खुद से लिए हैं, और औरों के भी हमें यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जिनमें इतना दम है, मैं ही कहती हूँ सर टियांस है, और टियांस से बेस्ट बेस्ट है टियांस, और टियांस से बेटर बेस्ट कुछ भी नहीं है सर। और जितनी भी छुटर पुटर बहुत सी कंपनीज हैं सर, हमें कुछ मिलते हैं कि मैडम 1100 में कंपनी ज्वाइन होती है, मैडम 2500 में कंपनी ज्वाइन होती है, हम ये कहते हैं जी देखिए
वो उनकी स्टेटस है। हमारे यहाँ तो कम से कम जो है ना आपको 10 से 12 हजार में स्टार्टअप होगा, अगर आप कर सकते हैं तो आप आ जाइए, क्योंकि ये हर किसी का अपना ब्रांड होता है। हम ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हम चुटर पुटर लाला कंपनीज के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो सर टियांसी जो है वो एक ब्रांड है सर, और इस ब्रांड के साथ हम जुड़ गए हैं, अब हम भी ब्रांडेड है सर, और आगे हम भी ब्रांडेड हैं। तो सर बहुत ही जबरदस्त सर, हम सभी जो है वो डायमंड्स हैं सर, वो फीलिंग आती है डायमंड वाली सर टियांस को करके। और सर बहुत जल्दी जो है हम आप सभी से रेवाड़ी में मिलने वाले हैं सर, बहुत ही एक्साइटेड हैं हम सभी, क्योंकि वहां जो है हमें आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा सर। बहुत वेट कर रहे हैं हम उस दिन का, और तैयारी के साथ जो है लगे हुए हैं। तो सर मजा आ गया सर आज वेबिनार को, और सर पाल सर ने जो ये सिस्टम शुरू किया है सर, इसकी वजह से सर जबरदस्त जो है अपना बिजनेस निकल रहा है सर, हम इतना सीख रहे हैं सर। और वो जो कह रहे हैं ना, बोला था मैडम ने कि जो है इतने पैसे देने पड़ते हैं, जो सुशीला मैम ने बोला था, तो सर वो बिल्कुल बात सही है। हर किसी एजुकेशन के लिए इतना कुछ जो है देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सर हमें अपना टाइम देना है, अपना टाइम देना है, और लोग वो भी नहीं जो दे पा रहे हैं, तो उनसे मूर्ख कोई भी नहीं है। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि सर इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, अगर हम यहाँ पे बैठ के वो नॉलेज भी नहीं ले सकते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर। तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, उस लर्निंग को जो है इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो सर थैंक्स मुझे बोलने का मौका दिया, पैनल पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को जो है आगे अपने लेवल के लिए जो है बेस्ट विशेस हैं सर। और सर बेटर टियांस बेटर लाइफ, लव यू टियांसी, लव यू टू ऑल, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर, बेटर टियांस बेटर लाइफ सर, थैंक यू सर। ग्रेट सुधीर, और रियल में यू आर अ डायमंड, और रियल में ये दिखता है कि आप रेगुलर फॉलोअर हैं, आपके जो वॉइस है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपकी जो बातें हैं जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली एक ट्यून की तरह चल रही है जिसको लोग फील कर सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं, जब आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप सुद्धि जी जैसे बन सकते हैं, आप शेखर बोरा बन सकते हैं, आप योगराज शर्मा बन सकते हैं। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो बहुत मेरी दिल से बेस्ट विशेस हैं, आप फटाफट आप रैंक चेंज करें अपना, और बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा, हमें मौका मिलेगा आपसे मिलने का भी। 28 तारीख फाइनल हो चुकी है, डेट एंड प्लेस वेन्यू क्लियर हो चुका है, तो अब सिर्फ वहां पे मिलना है और रिवाड़ी में छा जाना है। तो बेस्ट ऑफ विशेस, और अभी आपने सुना, और मैं रियल में बोलना चाहूंगा सभी को कि ये बहुत अच्छी स्टोरी भी थी, एक चीज कि हर इंसान को ना खूबी दी है, हर इंसान को भगवान ने अलग तरीके से तराशा है, हर इंसान की अलग वैल्यू है, सिर्फ फर्क इतना है कि क्या उस इंसान ने अपनी वैल्यू को परखा है कि नहीं। क्योंकि अगर भगवान के पास टाइम नहीं होता, भगवान को अगर इनोवेशन नहीं करनी होती तो सबकी शक्लें सेम होती, सब एक जैसे दिखते, लेकिन भगवान ने टाइम निकाला, सबको अलग बनाया। तो दैट मीन्स हर इंसान खास है, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, बट अगर उस इंसान ने उसकी अहमियत पा ली तो आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया जान पा सकता है। तो रियल में आज आपने देखा कितने बूस्टिंग लीडर्स हमें मिले, और बहुत सारी नई नॉलेज हमें जानने को मिली, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली इन लीडर्स से, और इसी तरीके से ये पैनल हमारा चलता रहेगा, हमारा इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क जो कि है जिंदाबाद जिसे हम बोलते हैं। और रियल में वी आर ऑन द ग्रेट ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कईयों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जिसमें हम भी आते हैं, और हमारे जैसे अभी काफी सारे लोगों को आपने सुना, और अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस पैनल में नहीं है बट बहुत जल्द आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो अभी कीप ट्यूनिंग, इसी पैनल में आते रहिए, हमारी टाइमिंग सेम है, कल फिर हम इस पैनल में मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई एजुकेशन के साथ, जिससे हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सक्सेस पा सकते हैं, वो आपको मिलेगा। तो रियल में आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, वी ऑल लव टियांस, एंड वी ऑल आर अ डायमंड। तो हमारा एक ही एजेंडा है सभी का, गो गोल्ड लायन, 100 गोल्ड लायन, 100 सिटीज और 100 एंडेवर्स। तो गेट रेडी टू योरसेल्फ, क्या अभी तक आपने लिस्ट में नाम लिखवा लिया है? नहीं लिखवाया तो अभी भी अपने सीनियर से बात करके अपना नाम दर्ज कराइए। वो कहते हैं ना लॉटरी नहीं निकली, नहीं निकली इसलिए नहीं निकली क्योंकि लॉटरी ली नहीं। तो एडमिशन कराना बड़ा जरूरी है,
तो बेस्ट ऑफ विशेस सभी के लिए, अपने रैंक को चेंज कीजिए और इस पैनल में आते रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हम कल फिर मिलेंगे सेम टाइमिंग सेम वेन्यू। थैंक यू सो मच।